आगे सबक देखिए भाई। काला व इन माता औ कुतिला अला रिद्दती ही इन तकला मक्ता सबहू फी इस्लामी ही इला वरसती हिल मुस्लिमीन व कान मक्ता सबहू फी हाली रिद्दती ही फे आ वहादा इंद अबी हनीफत रहिमहुल्लाहु ताला وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كلاهما لورثته भाई मुर्तद के अहकाम बयान हो रहे हैं। गुज़श्ता सबक में हमने बाबू अहकामिल मुर्तदीन शुरू किया था। भाई साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि कोई मुसलमान मुर्तद हो जाता है तो उस पर इस्लाम पेश किया जाएगा ताकि अगर कोई शुबहा और कोई एतराज है उसके जहन में तो उस शुबे को दूर कर दिया जाए। और फिर बतलाया कि इस सिलसिले में अहनाफ के तीन कौल हैं। एक कौल साहिब कुदूरी ने जिक्र फरमाया कि मुर्तद जो है उसको 3 दिन तक कैद किया जाएगा, अगर वो इस्लाम ले आए तो अच्छी बात है वरना उसे कत्ल कर दिया जाएगा। साहिब हिदाया ने बतलाया ये उस सूरत में है कि जब मुर्तद खुद मोहलत तलब करे तो फिर उसको 3 दिन की मोहलत दे दी जाएगी। और जामे सगीर के अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुर्तद पर इस्लाम पेश किया जाएगा और अगर वो इनकार करता है तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने मोहलत देने को जिक्र नहीं फरमाया, जबकि शेखैन रहिमहुमल्लाह फरमाते हैं कि मुर्तद को 3 दिन की मोहलत देना मुस्तहब है, चाहे वो मोहलत तलब करे या तलब न करे। इमाम के लिए मुस्तहब है कि वो मुर्तद को 3 दिन की मोहलत दे, जबकि इमाम शाफई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम पर वाजिब है कि मुर्तद को 3 दिन की मोहलत दे, इसलिए क्योंकि वो किसी शुबे की वजह से मुर्तद हुआ है तो कुछ मुद्दत देनी चाहिए ताकि उसमें वो गौर व फिक्र करके अपने शुबहात को दूर करके फिर इस्लाम में दाखिल हो सके। जबकि हमारे नजदीक अल्लाह कुरान में फरमाते हैं फक्तुलुल मुशरिकीना, यहां पर मोहलत देने को जिक्र नहीं किया अल्लाह ने। और नीज इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन बदल दीनहु फक्तुलू, जो शख्स अपना दीन बदल डाले तो उसको कत्ल कर दो। और फिर मैंने बतलाया था कि ये जो दलील साहिब हिदाया ने जिक्र फरमाई ये कियास है। कियास ये तकाजा करता है कि इस मुर्तद को मोहलत देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसका इस्लाम लाना एक वहमी चीज है और इर्तिदाद की वजह से ये कत्ल का मुस्तहिक हो चुका है, इसका कत्ल वाजिब हो चुका है। तो वाजिब को एक वहमी चीज की वजह से मुअख्खर नहीं किया जा सकता। और शेखैन रहमहुमल्लाह फरमाते हैं कि इमाम के लिए मुस्तहब है कि वो मुर्तद को 3 दिन की मोहलत दे और ये इस्तेहसान है। और मैंने आपको बतलाया कि इस्तेहसान को कियास पर तरजीह होती है भाई। और नीज इसी तरह साहिब हिदाया ने जिक्र फरमाया कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह का मजहब यह है कि इमाम पर वाजिब है कि मुर्तद को 3 दिन की मोहलत दी जाए, लेकिन शारिखीन फरमाते हैं कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह का सही मजहब भी यही है कि मुर्तद को मोहलत नहीं दी जाएगी, उस पर इस्लाम को पेश किया जाएगा, अगर वो इनकार कर देता है तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। और फिर साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर मुर्तद पर इस्लाम को पेश करने से पहले ही किसी कातिल ने उसको कत्ल कर दिया तो ये मकरूह है और कातिल पर जमान नहीं आएगा, यानी न उस पर किसास आएगा और न उस पर दियत आएगी। वजह यह है कि कुफर की वजह से मुर्तद जो है वह मुबाहुद दम हो चुका है। अलबत्ता कातिल का बगैर इस्लाम पेश किए उस मुर्तद को कत्ल करना यह मकरूह है, क्योंकि इस्लाम का पेश करना मुस्तहब था। तो इस कातिल ने एक मुस्तहब काम को छोड़ा है, लिहाजा उसका यह कत्ल नापसंदीदा है, यानी मकरूह तंजीही है भाई। और बाकी मुर्तद्दा को कत्ल किया जाएगा या नहीं, तो इसमें हमारा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुर्तद्दा को भी कत्ल किया जाएगा, इसलिए क्योंकि जिस तरह मर्द का इर्तेदाद बड़ा जुर्म है और उस जुर्म की वजह से उसको कत्ल किया जाता है, इसी तरह औरत का इर्तेदाद भी उसी मर्द की तरह बड़ा जुर्म है, लिहाजा औरत को भी इस जुर्म की वजह से कत्ल किया जाएगा। जबकि हम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने औरतों के कत्ल से मना फरमाया है, लिहाजा मुर्तद्दा को भी कत्ल नहीं किया जाएगा। और नीज हम अकली दलील देते हैं कि जजाओं के अंदर असल यह है कि इनको मुअख्खर करना चाहिए आखिरत के लिए, इसलिए क्योंकि यह दुनिया जो है यह आजमाइश की जगह है, यहां अल्लाह ताला ने इंसान को आजमाइश के लिए भेजा है, तो जजा और सजा का महल आखिरत है, लिहाजा असल तो यही है कि सजाओं को मुअख्खर करना चाहिए आखिरत के लिए। लेकिन शरीयत दुनिया के अंदर भी सजा देती है बाज मसलहतों की वजह से, तो लिहाजा यहां पर भी यह शख्स मुर्तद हो गया है, हरबी बन गया है और मुसलमानों के साथ जंग करने वाला बन गया है, तो अब इसके शर को दूर करना जरूरी है, लिहाजा उस मर्द को तो कत्ल किया जाएगा लेकिन औरत की तरफ से तो जंग नहीं हो सकती, क्योंकि औरत का जो बदन है उसका बदन और उसके जिस्म की बनावट और साख्त जो है वो जंग की सलाहियत ही नहीं रखती, लिहाजा औरत को कत्ल नहीं किया जाएगा, जबकि मर्द जो है उसका बदन तो जंग की सलाहियत रखता है, लिहाजा उसकी तरफ से जंग मुतवज्जे हो सकती है, तो वो अगर मुर्तद होता है यानी हरबी बनता है तो उसको कत्ल किया जाएगा भाई। और फिर साहिब हिदायत ने यह भी बयान फरमाया कि मुर्तद्दा औरत को कत्ल तो नहीं किया जाएगा लेकिन उसको कैद में डाला जाएगा यहां तक कि वो इस्लाम ले आए, वजह यह कि उसने अल्लाह का हक अदा करने से इनकार कर दिया है बाद इसके कि जब उसने इकरार कर लिया था अल्लाह के हक का, क्योंकि ये पहले मुसलमान थी, जब मुसलमान थी तो इसने मालूम हुआ अल्लाह के हक का इकरार कर लिया था और उसके बाद अब ये अल्लाह का हक अदा नहीं कर रही तो इसको मजबूर किया जाता है। जैसे हुकूकुल इबाद के अंदर जब एक शख्स एक मर्तबा किसी के हक का इकरार कर ले और फिर वो हक वो अदा नहीं करता तो उसको उस हक की अदायगी पर मजबूर किया जाता है, तो यहां भी औरत ने अल्लाह के हक का इकरार कर लिया है लिहाजा उसको भी मजबूर किया जाएगा। और फिर साहिब हिदायत ने जामे सगीर की इबारत भी जिक्र फरमाई कि जामे सगीर के अंदर है कि औरत को मजबूर किया जाएगा चाहे आजाद हो या बांदी हो, और अगर बांदी है तो फिर उसको उसका आका मजबूर करेगा, तो बांदी को आका मजबूर करेगा, वजह इसकी यह है कि इसके अंदर दोनों के हक की रियायत है, अल्लाह के हक की भी रियायत है और उस आका के हक की भी रियायत है, अल्लाह के हक की रियायत होगी कि ये आका जो है बांदी को मजबूर करेगा और आका के हक की भी रियायत होगी कि वो इस दौरान इस बांदी से खिदमत भी लेता रहेगा, तो आका के मजबूर करने के अंदर अल्लाह के हक की भी रियायत हो गई और आका के हक की भी रियायत हो गई, लिहाजा बांदी को आका मजबूर करेगा भाई। और उसके बाद साहिब हिदायत ने मसला जिक्र फरमाया कि किसी के मुर्तद होने की वजह से उसकी मिल्कियत अपने मालों पर से खत्म होगी या नहीं, तो इमाम साहब फरमाते हैं कि मुर्तद की मिल्कियत अपने मालों पर से मौकूफ तौर पर खत्म हो जाती है, यानी मिल्कियत खत्म हुई लेकिन मौकूफ रहेगी, अगर ये दोबारा मुसलमान हो गया तो इसकी मिल्कियत फिर वापस लौट आएगी, जबकि साहिबैन फरमाते हैं नहीं, अगर कोई मुर्तद हो जाए तो इसकी वजह से उसकी मिल्कियत पर कोई असर नहीं पड़ता, वजह यह कि वो मुकल्लफ है और मोहताज है, वो मुकल्लफ है और मोहताज है। मैंने आपको बतलाया था कि अल्लाह ने इंसान को मुकल्लफ बनाया है, उसके लिए अहकाम नाजिल फरमाए हैं और वो इन अहकाम पर तभी अमल कर सकता है कि जब उसकी जान महफूज हो, उसकी जान महफूज हो, और नीज मुकल्लफ चीजों से फायदा उठाने का मोहताज है, क्योंकि वो चीजों से फायदा उठाएगा तो दुनिया के अंदर जिंदगी बसर कर सकेगा, तो मालूम हो मुकल्लफ जो है चीजों से नफा उठाने का मोहताज है और ये चीजों से तभी नफा हासिल कर सकता है जब इसके लिए मिल्कियत को साबित किया जाए, जब इसके लिए मिल्कियत को साबित किया जाए, तो लिहाजा जो शख्स मुर्तद हुआ है वो भी मुकल्लफ है, वो भी मोहताज है, लिहाजा उसकी भी मिल्कियत उसके मालों पर बाकी रहेगी, बाकी रहेगी, अगरचे ये मुर्तद कत्ल का मुस्तहिक हो चुका है लेकिन कत्ल का मुस्तहिक होने की वजह से मालों पर से मिल्कियत खत्म नहीं होगी, जैसे वो शख्स
जिसके बारे में काजी ने फैसला कर दिया कि इसको किसास में कत्ल किया जाए, या वो शख्स जिसके बारे में काजी ने फैसला कर दिया कि इसको जिना की वजह से अब रजम कर दिया जाए, तो अब ये शख्स जिसको रजम किया जाएगा या किसास में कत्ल किया जाएगा, अगरचे ये भी कत्ल के मुस्तहिक हो चुके हैं लेकिन इनकी मिल्कियत इनके मालों पर से खत्म नहीं होती जब तक इनको कत्ल ना कर दिया जाए। इसी तरह मुर्तद को भी जब तक कत्ल ना कर दिया जाए उसकी मिल्कियत खत्म नहीं होगी, बल्कि यह शख्स जिसको रजम किया जाएगा और यह शख्स जिसको किसास में कत्ल किया जाएगा, इनका तो कत्ल होना यकीनी है और मुर्तद का कत्ल होना तो यकीनी भी नहीं है, इसलिए क्योंकि हो सकता है वो दोबारा इस्लाम की तरफ लौट आए, फिर तो उसको कत्ल ही नहीं किया जाएगा। तो जिनका कत्ल यकीनी है उनकी मिल्कियत उनके माल पर से खत्म नहीं होती जब तक उन्हें कत्ल न कर दिया जाए, तो मुर्तद जो है उसकी मिल्कियत भी अपने माल पर से खत्म नहीं होगी जब तक इसे कत्ल न कर दिया जाए। बात समझ में आ गई। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि यह मुर्तद जो है यह वाजिबुल कत्ल हो गया है, और वाजिबुल कत्ल तो हरबी होता है, आम कुफर जो है वह कत्ल का सबब नहीं है। तो मालूम हुआ यह जो मुर्तद हुआ है यह हरबी के दर्जे में है और इस वक्त ये हमारे कब्जे के अंदर मगलूब है, और हरबी भी जब हमारे कब्जे में मगलूब हो जाता है, जब हम उसको कैद कर लेते हैं, तो उसकी मिल्कियत अपने माल पर से खत्म हो जाती है। वजह यह कि इमाम चाहे तो इस हरबी को कत्ल कर दे, इमाम चाहे तो इस हरबी को हमेशा के लिए गुलाम बना ले, तो वो हरबी जो हमारे कब्जे में मगलूब होकर कैद है उसकी मिल्कियत अपने माल पर से खत्म हो जाती है। इसी तरह ये मुर्तद जो है ये भी उसी हरबी के दर्जे में है, क्योंकि ये वाजिबुल कत्ल हो चुका है और ये जिम्मी भी नहीं रहा और ये मुस्तामिन भी नहीं है, तो मालूम हुआ ये हरबी ही है भाई, ये हरबी ही है, लिहाजा इसकी वजह से इसकी मिल्कियत खत्म हो जाएगी। अलबत्ता इसकी ये जो मिल्कियत खत्म होगी ये मौकूफ तरीके पर खत्म होगी, वजह यह कि इसको फिर इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाएगा और उम्मीद है कि ये वापस लौट आएगा, क्योंकि ये इस्लाम की सिफात और उसकी खूबियों को जानता है भाई, लिहाजा इसलिए इसकी मिल्कियत को मौकूफ रखा जाएगा। तो अगर यह इस्लाम की तरफ वापस लौट आया तो इसकी मिल्कियतें वापस आ जाएंगी। यूं समझेंगे गोया इर्तेदाद वाला जो सबब था वो पाया ही नहीं गया। इर्तेदाद जो है वो मिल्कियत को जाहिल करता है, लेकिन जब ये वापस इस्लाम की तरफ लौट आया तो यूं समझेंगे इर्तेदाद वाला सबब जो मिल्कियत को जाहिल करता है वो पाया ही नहीं गया। लेकिन अगर ये मुर्तद जो है ये मर जाता है इर्तेदाद की हालत में ही, या इसको इसी तरह कत्ल कर दिया जाता है, या काजी इसके दारुल हर्ब जाने का फैसला कर देता है, तो यह इसकी मौत हुक्मी है भाई। तो इस पर चाहे मौत हकीकी आ जाए इर्तेदाद की हालत में, या इस पर मौत हुक्मी आ जाए, तो इस सूरत में आप यह इर्तेदाद वाला सबब अमल करेगा और इसकी मिल्कियत इसके माल पर से कतई तौर पर खत्म हो जाएगी भाई। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। قال وإن مات أو قتل على ردته انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته المسلمين وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئا। भाई अब सूरत यह है, एक शख्स मुर्तद हो गया है, तो एक तो उसकी वो कमाई है जो उसने इस्लाम की हालत में की थी, और इसकी एक कमाई वो है जो इसने मुर्तद होने के बाद की है। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि जब मुर्तद जो है वो मर जाए या उसको कत्ल कर दिया जाए इर्तेदाद की वजह से, तो इस्लाम की हालत में जो इसकी कमाई है उसके अंदर वरासत जारी होगी और वो माल उसके वारिसों की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। जबकि वो कमाई जो इसने इर्तेदाद की हालत में की है वो माले फे है, वो माले गनीमत है भाई। वजह यह कि इर्तेदाद की वजह से ये हरबी बन चुका है भाई, और हरबी का जो माल होता है वो माले गनीमत होता है, माले फे होता है। तो इमाम साहब के नजदीक इस मुर्तद की इस्लाम की हालत में जो कमाई है वो इसके वारिसों की तरह मुंतकिल हो जाएगी, और जो इर्तेदाद की हालत में कमाई है वो माले फे है, वो माले गनीमत है। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि इसकी दोनों कमाइयां जो हैं वो वारिसों की तरह मुंतकिल होंगी, चाहे वो कमाई इस्लाम की हालत में है चाहे इर्तेदाद की हालत में है। जबकि आगे इमाम शाफी रहमतुल्लाह का मजहब भी साहिब हिदाया जिक्र फरमाएंगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस मुर्तद की सारी कमाई जो है वो माले फे है,
चाहे इसने इस्लाम की हालत में माल कमाया हो, चाहे इसने इर्तेदाद की हालत में माल कमाया हो, इसका सारा माल जो है यह माले खै है भाई। तो मालूम हुआ यहां तीन मजाहिब हो गए भाई, एक इमाम साहिब का मजहब है, एक साहिबैन का और एक इमाम शाफी रहमतुल्लाह का। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस्लाम की कमाई हो या इर्तेदाद की कमाई हो, दोनों कमाइयां माले फै हैं, माले गनीमत हैं। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि दोनों कमाइयां जो हैं वो वारिसों की तरह मुंतकिल होंगी, वो माले वरासत है। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं इस्लाम की हालत में जो कमाई है वो तो वारिसों की तरह मुंतकिल होगी, लेकिन इर्तेदाद की हालत में जो कमाई है वो माले फै है भाई। देखिए भाई, काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह इन माता औ कुतिला अला रिद्दती ही, और अगर वो मुर्तद मर गया या उसको कत्ल कर दिया गया इर्तेदाद की हालत पर, इन तकला मकता सबहूफी इस्लामी ही, तो मुंतकिल हो जाएगा वो जो उसने इस्लाम की हालत में कमाया है, इला वरासतिल मुस्लिमीन, इसके मुसलमान वारिसों की तरफ, वकान मकता सबहूफी हाल रिद्दती ही, और जो माल इसने इर्तेदाद की हालत में कमाया है फै अन वो माले फै होगा। वहाजा इंदा अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, और ये इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला रहमतं वासिया के नजदीक है। वकाल अबू यूसुफ व मुहम्मद रहिमहुमल्लाह ताला किला हुमा लिवारसती ही, और साहिबैन फरमाते हैं कि इसकी दोनों कमाइयां जो हैं वो इसके वारिसों के लिए हैं। वकाल शाफियो रहमहुल्लाह ताला किला हुमा फैउन, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इसकी दोनों कमाइयां माले फै हैं, यानी माले गनीमत हैं। लिअन्नहुमा तकाफिरं वल मुस्लिमु ला यरिसुल काफिरा, यहां से इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील जिक्र कर रहे हैं साहिबे हिदाया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये मुर्तद जो है ये हालत कुफर पर मरा है, और मुसलमान जो है वो काफिर का वारिस नहीं हो सकता। आप पढ़ चुके हैं कि वो चीजें जो वरासत से मानेअ हैं उनमें से एक सबब इख्तिलाफ दीन भी है, अगर वारिस और मूरिस का दीन अलग अलग हो तो फिर वरासत जारी नहीं होगी भाई। और ये भी याद रखना, ये जो इख्तिलाफ दीन है ये सिर्फ मुसलमान और काफिर के दरमियान मानेअ है वरासत से, यानी वारिस और मूरिस में से एक मुसलमान हो और एक काफिर हो तो फिर वरासत जारी नहीं होगी। लेकिन अगर दोनों काफिर हैं, अलबत्ता दीन अलग अलग है दोनों का, वारिस और मूरिस का दीन अलग अलग है, तो फिर ये एक दूसरे के वारिस बनेंगे, क्योंकि हदीस में आता है अलकुफ्रु मिल्लतुं वाहिदा, मिल्लत का माना है दीन भाई, अलकुफ्रु मिल्लतुं वाहिदा, कुफर सारा का सारा एक ही दीन है। बात समझ में आ गई। तो अगर वो वारिस और मूरिस दोनों का दीन अलग है लेकिन है दोनों काफिर, फिर ये वारिस बनेंगे, अलबत्ता अगर दोनों में से एक मुसलमान है फिर वहां वरासत जारी नहीं होगी भाई। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं लिअन्नहु माता काफिरा, इसलिए क्योंकि मुर्तद जो है काफिर होकर मरा है, वल मुस्लिमु ला यरिसुल काफिरा, और मुसलमान जो है वो काफिर का वारिस नहीं होता। सुम्मा हुआ मालु हर्बीयिन, फिर ये ऐसे हर्बी का माल है, ला अमान लहू, जिसको अमान नहीं है। ये जो मुर्तद मर गया है इसका माल जो है वो ऐसे हर्बी का माल है जिसे अमान हासिल नहीं, लिहाजा इसका माल माले गनीमत होगा। कहते हैं सुम्म हुआ मालु हर्बी यिन ला अमान लहू, फिर ये जो मुर्तद का माल है ये ऐसे हर्बी का माल है जिसे अमान नहीं है। फयकूनु फैआ, तो ये माल जो है माले फै होगा। वलहुमा, अब साहिबैन की दलील आ गई। साहिबैन फरमाते हैं कि इसकी दोनों कमाइयां, यानी चाहे इस्लाम की हालत में है वो कमाई या इर्तेदाद की हालत में है वो कमाई, दोनों का मालिक वो मुर्तद है। जब मुर्तद दोनों का मालिक है तो ये कमाइयां इसके वारिसों की तरफ मुंतकिल हो जाएंगी इसके मरने के बाद। वलहुमा, और साहिबैन की दलील यह है कि अन्न मिल्कहु फिल कस्बैनी, के उस मुर्तद की जो मिल्कियत है दोनों कमाइयों में, बादर रिद्दती बाकिन, वो इर्तेदाद के बाद भी बाकी है, अला मा बय्यन्नाहु, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया।
साहिबैन फरमाते हैं कि इर्तेदाद के बाद भी उस मुर्तद की मिल्कियत अपने दोनों मालों में बाकी है। इस्लाम की हालत में जो कमाई थी उसका भी यह मालिक है, और इर्तेदाद की हालत में इसने जो कमाई की है यह उसका भी मालिक है। जब यह दोनों कमाइयों का मालिक है तो इस मुर्तद के मरने की सूरत में यह दोनों कमाइयां इसके वारिसों की तरह मुंतकिल हो जाएंगी। और यह इसकी मिल्कियत क्यों बाकी है, साहिबैन ने इसकी दलील पीछे जिक्र की थी। गुज़श्ता सबक में आया था कि साहिबैन फरमाते हैं कि यह मुर्तद की मिल्कियत अपने माल से खत्म नहीं होती, क्योंकि यह मुकल्लफ है, यह मोहताज है। ये क्या है? मुकल्लफ है। मैंने आपको बतलाया था कि इंसान को अल्लाह ने मुकल्लफ बनाया है, उसके लिए शरई अहकाम नाजिल किए हैं, और इसके लिए जरूरी है कि इस इंसान को इस्मत हासिल हो, क्योंकि इस्मत हासिल होगी तो इसका कत्ल जायज नहीं होगा। जब कत्ल जायज नहीं होगा तो यह जिंदा रह सकेगा, और जब यह जिंदा रह सकेगा तो यह अल्लाह के नाजिल किए हुए अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजार सकेगा भाई। लिहाजा इंसान को इस्मत हासिल होती है मुकल्लफ होने की वजह से, और फिर यह मुकल्लफ जो है दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए मोहताज है कि वह माल से नफा उठाए। वह माल से नफा उठाएगा फिर ही दुनिया के अंदर वह जिंदगी गुजार सकता है। तो लिहाजा मुकल्लफ मोहताज है माल के मालिक होने का, कि उसके लिए मिल्कियत साबित की जाए, उसका माल मासूम और महफूज करार दिया जाए। तो चुनाचे इस हाजत की वजह से शरीयत ने उसे माल का मालिक करार दे दिया और उसका माल मासूम और महफूज है। अलबत्ता मैंने जिक्र किया था कि यहां आपके जहन में एक इश्काल आ सकता है कि मुर्तद जो है उसकी तो इस्मत खत्म हो चुकी है, उसकी जान तो मासूम नहीं, उसे तो कत्ल किया जाएगा। तो मैंने आपको बतलाया था कि बेशक इसकी इस्मत खत्म हो गई है, इसको कत्ल किया जाएगा, लेकिन यह अभी भी मुकल्लफ है, अभी भी मुकल्लफ है, अभी भी शरीयत की तरफ से इसको हुक्म दिया जा रहा है कि वापस इस्लाम के अंदर आ जाओ, और इसी वजह से तो इसको कत्ल किया जाता है कि यह मुकल्लफ है और इस्लाम में दाखिल नहीं हो रहा। तो अगर यह मुकल्लफ ना होता फिर तो इसको तो कत्ल करना ही जायज ना होता। तो मालूम हुआ मुर्तद की जान की इस्मत अगरचे खत्म हो गई है लेकिन फिर भी वह मुकल्लफ है, और मुकल्लफ दुनिया के अंदर माल से नफा उठाने के लिए उसके मालिक होने का मोहताज है। लिहाजा मुर्तद जो है अपने माल का मालिक होगा, उसका माल मासूम और महफूज होगा। तो साहिबैन के नजदीक ये जो मुर्तद है ये मुकल्लफ है, मोहताज है, और जो भी मुकल्लफ और मोहताज होता है उसकी मिल्कियत अपने माल पर साबित होती है भाई। तो लिहाजा इस मुर्तद की भी मिल्कियत अपने माल पर साबित है, चाहे वो माल इसने इस्लाम की हालत में कमाया था और चाहे वो माल इसने इर्तेदाद की हालत में कमाया है। देखिए भाई, कहते हैं वलहुमा, और साहिबैन की दलील यह है कि अन्न मिल्कहु फिल कस्बैनी, कि ये जो मुर्तद है इसकी मिल्कियत इसकी दोनों कमाइयों के अंदर बादर रिद्दती बाकिन, वो मुर्तद होने के बाद भी बाकी है, अलामा बैयन्नाहु, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया। मैंने आपको बतलाया था ये आला इल्लत बयान करने के लिए भी कभी आता है, तो यहां इसके जरिए देखो इल्लत बयान की जा रही है, अलामा बैयन्नाहु, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया, और वो वजह कि ये मुर्तद मुकल्लफ है और मोहताज है। फयंतकिलु बिमौति ही इला वरसती ही, तो लिहाजा इसका यह माल मुंतकिल हो जाएगा इसकी मौत की वजह से, इला वरसती ही इसके वारिसों की तरफ, वयस्तनिदु इलामा कुबैल रिद्दती ही, यहां से जवाब दे रहे हैं वो जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने दलील जिक्र फरमाई थी कि ये मुर्तद काफिर है और इसके वारिस मुसलमान हैं, और मुसलमान जो है वो मुर्तद का वारिस नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के दीन अलग अलग हैं। तो उसका भी जवाब दे रहे हैं साहिबैन की तरफ से साहिबे हिदाया। साहिबैन फरमाते हैं कि ये जो वारिस होना है इसकी निस्बत की जाएगी इर्तेदाद से पहले की तरफ, यानी इस मुर्तद होने से पहले की तरफ, यानी ऐन जिस लम्हे में ये शख्स मुर्तद हो रहा था उससे माकबल जो इस्लाम के अंदर इसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा था, यूं समझेंगे ये इसकी जिंदगी का भी आखिरी लम्हा था। जब ये मुर्तद हो रहा है तो यूं समझो ये मर रहा है भाई,
क्योंकि इर्तेदाद कहां तक पहुंचाने वाला है, मौत तक पहुंचाने वाला है। कोई मुर्तद होगा तो हम उसे कत्ल कर देंगे, और अगर वह दारुल हर्ब भाग गया तो उस पर काजी भागने का फैसला लिख देगा, और यह फैसला भी उसके लिए मौत के हुक्म में है भाई। तो मालूम हुआ इर्तेदाद मौत तक पहुंचाने वाला है, लिहाजा जब वो शख्स मुर्तद हुआ तो यूं समझेंगे कि यह उस पर मौत आ गई, और उस इर्तेदाद से माकबल आखिरी लम्हा है जो इस्लाम के अंदर वारिस होने की निस्बत उस वक्त की तरफ की जाएगी कि उस वक्त ये वाले वारिस इसके वारिस बन गए। और इर्तेदाद से पहले तो वह मुर्तद भी मुसलमान था, तो मुसलमान मुसलमान का वारिस हो गया। तवज्जो है, एतराज क्या होता था कि ये मुर्तद तो काफिर है और वारिस मुसलमान है तो ये उसके वारिस नहीं बन सकते। तो जवाब दिया कि वारिस होने की निस्बत इर्तेदाद से पहले की तरफ की जाएगी। इर्तेदाद से पहले ही इस्लाम के अंदर जो इसका आखिरी लम्हा था उस वक्त ये वारिस बन गए। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वयस्तनिदु इला मा कुबैल रिद्दतिही। कुबैल भाई तस्गीर है, कबल का माना पहले और कुबैल का माना थोड़ा सा पहले। कुबैल रिद्दतिही मुर्तद होने से थोड़ा सा पहले, यानी वो जो आखिरी लम्हा है इस्लाम के अंदर। तो कहते हैं वयस्तनिदु और ये वारिस होने की निस्बत की जाएगी इला मा कुबैल रिद्दती ही उस वक्त की तरफ जो रिद्दत से थोड़ा सा पहले है। वारिस होने की निस्बत उस वक्त की तरफ की जाएगी जो मुर्तद होने से थोड़ा सा पहले है। इसी रिद्दतु सबबुल मौती, इसलिए क्योंकि मुर्तद होना यह मौत का सबब है। मुर्तद को हम कत्ल कर देंगे या अगर वो दारुल हर भाग जाता है तो काजी उस पर मौत का हुक्म लगा देगा। मालूम हुआ मुर्तद होना मौत का सबब है भाई। तो लिहाजा इर्तेदाद से पहले जो इस्लाम के अंदर इसका आखिरी लम्हा था गोया वो इसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा था, तो वारिस होने की निस्बत भी उसी वक्त की तरफ की जाएगी। तो कहते हैं वयस्तनिदु और ये वारिस होने की निस्बत की जाएगी इला मा कुबैल रिद्दती ही उस वक्त की तरफ जो रिद्दत से थोड़ा सा पहले है। इसी रिद्दतु सबबुल मौती, इसलिए क्योंकि मुर्तद होना ये मौत का सबब है। फयकून तौरीसुल मुस्लिमी मिनल मुस्लिमी, वर्रस युवर्रिसु तौरीस का माना है वारिस बनाना। फयकून तौरीसुल मुस्लिमी मिनल मुस्लिमी, तो ये मुसलमान को मुसलमान का वारिस बनाना होगा। ये मुसलमान को मुसलमान का वारिस बनाना होगा, यानी दोनों मुसलमान हैं क्योंकि मुर्तद के इर्तेदाद से पहले की तरफ निस्बत कर दी गई। वली अबी हनीफा रहमहुल्ला, इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नहु यमकिनुल इस्तिनादु फी कस्बिल इस्लाम लिवजूदिही क़ब्ल अर्रिद्दती। इमाम साहब फरमाते हैं अगर आपकी बात तस्लीम की जाती है और यह वारिस होने की निस्बत इर्तेदाद से पहले की तरफ की जाएगी तो इर्तेदाद से पहले तो सिर्फ इस्लाम वाली कमाई मौजूद है, तो लिहाजा सिर्फ उसी की निस्बत की जा सकती है क्योंकि उस वक्त तो इर्तेदाद की कमाई अभी मौजूद ही नहीं है। एक चीज मौजूद तो हो एक वक्त में तो फिर उस वक्त की तरफ निस्बत भी की जा सकती है, लेकिन उस वक्त तो इर्तेदाद की कमाई मौजूद ही नहीं थी, लिहाजा इर्तेदाद वाली कमाई की निस्बत नहीं की जा सकती बल्कि सिर्फ इस्लाम वाली कमाई की निस्बत की जा सकती है। इसीलिए इस्लाम के अंदर जो माल कमाया है वो वारिसों की तरह मुंतकिल होगा और जो इर्तेदाद के वक्त माल कमाया है वो वारिसों की तरह मुंतकिल नहीं होगा, वो माले गनीमत होगा भाई। तो कहते हैं वली अबी हनीफा रहिमहुल्ला और इमाम साहेब की दलील यह है कि अन्नहु यमकिनुल इस्तिनादु फी कस्बिल इस्लामी, के इस्लाम की कमाई के अंदर निस्बत करना मुमकिन है लिवजूदिही क़ब्ल अर्रिद्दती, इस वजह से कि वो कमाई मुर्तद होने से पहले मौजूद है। वला यमकिनुल इस्तिनादु फी कस्बिर रिद्दती, और इर्तेदाद की कमाई में निस्बत करना मुमकिन नहीं है लिआदमिही क़ब्ल, इसलिए क्योंकि इर्तेदाद की कमाई तो मौजूद ही नहीं है कबलहा, मुर्तद होने से पहले। इर्तेदाद की कमाई तो मुर्तद होने से पहले मौजूद ही नहीं है। तो कहते हैं लिआदमी ही कबलहा, इसलिए क्योंकि इर्तेदाद की जो कमाई है वो तो इर्तेदाद से पहले मौजूद ही नहीं है। वमिन शर्त ही वजूदुहू, और निस्बत की शर्त है उस कमाई का पाया जाना। इर्तेदाद से पहले की तरफ
निस्बत के लिए शर्त है कमाई का पाया जाना, और वो इर्तिदाद वाली कमाई तो उस वक्त मौजूद ही नहीं है भाई। तो कहते हैं वमिन शर्त ही वजूदुहू, और इस्तिनाद की शर्त जो है वो उस कमाई का पाया जाना है। आगे देखिए, सुम इन नमा यरिसुहु मन कान वारिसन लहू हालतर रिद्दती व बकी वारिसन इला वक्ति मौती ही फी रिवायतिन अन अबी हनीफा रहिमहुल्लाह ताला। भाई यहां से साहिबे हिदाया बयान फरमाएंगे कि मुर्तद का वारिस कौन कौन बनेगा। याद रखो मुसलमान जो हैं वो उसके वारिस बनेंगे भाई, लेकिन किस वक्त का एतबार किया जाएगा? इर्तेदाद के वक्त वारिस होने का एतबार किया जाएगा या मुर्तद की मौत के वक्त का एतबार किया जाएगा? तो साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि इस सिलसिले में इमाम साहिब से तीन रिवायतें हैं। एक रिवायत के मुताबिक इर्तेदाद और मौत दोनों मोतबर हैं भाई, यानी मुर्तद का वारिस वो शख्स बनेगा जो इर्तेदाद के वक्त भी वारिस बन रहा है और मौत के वक्त भी वारिस बन रहा है। जो इर्तेदाद के वक्त भी वारिस बन रहा है और मौत के वक्त भी वारिस बन रहा है, यानी मौत तक जिंदा है भाई और वारिस भी बन रहा है भाई। जबकि इमाम साहब से एक रिवायत यह है कि मुर्तद का वारिस बनने में सिर्फ इर्तेदाद का एतबार है। जिस वक्त वो शख्स मुर्तद हो रहा था उस वक्त जो इसके वारिस बन गए वो ही वारिस बनेंगे, मौत के वक्त को नहीं देखेंगे। तो इमाम साहब की दूसरी रिवायत के मुताबिक मुर्तद के इर्तेदाद का एतबार है, क्योंकि इर्तेदाद भी मौत के दर्जे में है। और तीसरी रिवायत इमाम साहब से ये है कि मुर्तद की मौत का एतबार है, मौत के वक्त जो वारिस बन रहा है वो वारिस बनेगा, इर्तेदाद का एतबार नहीं है। तो इमाम साहब से इस सिलसिले में तीन रिवायतें हैं कि मुर्तद का वारिस कौन बनेगा। उनकी एक रिवायत के मुताबिक सिर्फ इर्तेदाद का एतबार है, इर्तेदाद के वक्त जो वारिस जिंदा है वो वारिस बनेगा और मुर्तद की मौत का कोई एतबार नहीं। और एक रिवायत के मुताबिक मुर्तद की मौत का एतबार है, मौत के वक्त जो वारिस जिंदा है वो वारिस बनेगा, इर्तेदाद का कोई एतबार नहीं। और एक रिवायत के मुताबिक इर्तेदाद और मौत दोनों का एतबार है कि मुर्तद का वारिस वो बनेगा जो इर्तेदाद के वक्त भी वारिस बन रहा हो और मौत के वक्त भी वारिस बन रहा हो। अगर एक शख्स इर्तेदाद के वक्त तो वारिस बन रहा है, मसलन मुर्तद का बेटा है वो मुसलमान है, तो यह शख्स जिस वक्त मुर्तद हुआ इसका बेटा जिंदा था तो वह वारिस बन रहा है, लेकिन मौत का भी एतबार है तो जरूरी है कि यह बेटा मौत तक जिंदा रहे फिर ही यह वारिस बनेगा। सिर्फ इर्तेदाद के वक्त वारिस होना मोतबर नहीं इमाम साहब की एक रिवायत के मुताबिक। तो हासिले कलाम क्या हुआ कि इमाम साहब से इस सिलसिले में तीन रिवायतें हैं। एक रिवायत के मुताबिक मुर्तद के इर्तेदाद और मौत दोनों के वक्त उस वारिस का होना जरूरी है फिर वो वारिस बनेगा, और एक रिवायत के मुताबिक सिर्फ इर्तेदाद का एतबार है, उस वक्त जो वारिस बन रहा है वही वारिस बनेगा, मुर्तद की मौत का कोई एतबार नहीं। और एक रिवायत के मुताबिक मुर्तद की मौत का एतबार है, उस वक्त जो वारिस जिंदा है वो वारिस बनेगा, इर्तेदाद का कोई एतबार नहीं। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं सुम इन नमा यरिसुहु, फिर मुर्तद जो है उसका वारिस बनेगा, मन कान वारिसन लहू हालत रिद्दति, वो जो इसका वारिस है इर्तेदाद की हालत में, वह बकिया वारिसन इला वक्ति मौती ही, और वो वारिस बाकी रहे इस मुर्तद की मौत के वक्त तक। पहली रिवायत क्या आई, जो इर्तेदाद के वक्त भी वारिस है और मौत तक वो वारिस है भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं सुम इन्नमा यरिसुहु मन कान वारिसन लहू हालतर रिद्दति, फिर मुर्तद का वारिस वो शख्स होगा जो इर्तेदाद की हालत में उसका वारिस है, वह बकिया वारिसन इला वक्ति मौती ही, और वो वारिस होकर ही बाकी रहा मुर्तद की मौत के वक्त तक। फिर रिवायतिन अन अबी हनीफा तरहमुल्ला, इमाम साहब से एक रिवायत में, इमाम साहब की एक रिवायत के मुताबिक भाई। और याद रखो ये रिवायत है हसन इब्ने ज़ियाद रहमहुल्ला की। हसन इब्ने ज़ियाद रहमहुल्ला ये इमाम साहब के शागिर्द हैं, वो इस रिवायत को नकल करते हैं इमाम साहब से।
तो कहते हैं फी रिवायत इन अन अभी हनीफत रहमल्ला, इमाम साहेब की एक रिवायत के मुताबिक, एतबारन लिल इस्तिनादी, इस्तिनाद का एतबार करते हुए ये दलील जिक्र कर रहे हैं। इस कौल की वजह क्या है? भाई देखिए, मुर्तद की मौत के वक्त जो वारिस है वो जिंदा होना चाहिए, लेकिन इस वारिस होने की निस्बत की जाएगी इर्तेदाद से पहले की तरफ, तो इर्तेदाद के वक्त भी उस वारिस को जिंदा होना चाहिए। तवज्जो है, दलील जिक्र कर रहे हैं। हसन इब्ने ज़ियाद रहमतुल्लाह ने जो रिवायत की है इमाम साहब से, उसकी दलील जिक्र कर रहे हैं। इस रिवायत के मुताबिक उस वारिस का इर्तेदाद के वक्त भी वारिस होना जरूरी है और मौत के वक्त भी वारिस होना जरूरी है। वजह यह कि मौत के वक्त यह वारिस बन रहा है, लेकिन इस वारिस बनने की निस्बत की जाएगी इर्तेदाद से पहले की तरफ, तो उस वक्त भी इसको वारिस होना चाहिए, मौत के वक्त भी वारिस होना चाहिए, क्योंकि मौत के वक्त तो निस्बत करनी है। और किस वक्त की तरफ निस्बत करनी है? इर्तेदाद से पहले की तरफ, तो इर्तेदाद से पहले भी ये वारिस होना चाहिए। भाई बात समझ में आ गई? ये माना है एतबारन लिल इस्तिनादी, इस्तिनाद का एतबार करने की वजह से। वअन्हु, अब ये दूसरी रिवायत इमाम साहेब की, कहते हैं वअन्हु, और इमाम साहेब से ही एक रिवायत ये है कि अन्नहु यरिसुहु मन कान वारिसन लहु इंदर रिद्दती, कि इस मुर्तद का वारिस बनेगा जो कोई इसका वारिस हुआ इंदर रिद्दती इर्तेदाद के वक्त, जो इसका वारिस हुआ इर्तेदाद के वक्त। और यहां बैन सुतूर लिखा हुआ है कि यह रिवायत इमाम साहिब से इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह नकल करते हैं। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने इमाम साहब से यह रिवायत नकल की है कि सिर्फ इर्तेदाद का एतबार है, इर्तेदाद के वक्त जो वारिस है वो ही वारिस बनेगा। तो कहते हैं वह अनहु, और इमाम साहब से एक रिवायत यह है कि अनहु यरिसुहु, कि मुर्तद का वारिस होगा मन कान वारिसन लहु इंदर रिद्दति, जो कोई उसका वारिस हुआ इर्तेदाद के वक्त। वला यबतुलु इस्तिहकाकुहु बिमौती ही, और उस वारिस का इस्तिहकाक बातिल नहीं होगा उसकी मौत की वजह से। इर्तेदाद के वक्त जो वारिस मौजूद है वो वारिस बनेगा, चाहे मुर्तद की मौत से पहले ही ये वारिस मर जाए फिर भी ये वारिस बनेगा, क्योंकि एतबार किसका है? इर्तेदाद का है, और इर्तेदाद के वक्त तो ये वारिस जिंदा था। तवज्जो है, मुर्तद का बेटा है वो इर्तेदाद के वक्त जिंदा है तो वो वारिस बनेगा, और फिर चाहे ये बेटा मुर्तद के मरने से पहले खुद मर जाए फिर भी ये वारिस बनेगा। तो आपके जहनों में सवाल आएगा कि बेटा तो मर चुका है वो फिर कैसे वारिस बनेगा? तो जवाब यह कि उस बेटे के अगर आगे औलाद वगैरह है तो उनकी तरफ उस बेटे का माल मुंतकिल हो जाएगा, यानी उस वारिस के जो वारिस हैं वो इस माल को ले लेंगे। भाई तो कहते हैं वला यबतुल इस्तिहकाकुहु बिमौती ही, और इस वारिस का इस्तिहकाक बातिल नहीं होगा, यानी इसका हकदार होना खत्म नहीं होगा बिमौती ही, इसकी मौत की वजह से कि यह वारिस मुर्तद से पहले ही मर जाए, इससे इसका इस्तिहकाक बातिल नहीं होगा। बल यखलुफुहु वारिसुहु, बल यखलुफुहु, बल्कि इस वारिस का खलीफा बनेगा वारिसुहु, इस वारिस का वारिस। बेटा इर्तेदाद के वक्त जिंदा था तो ये वारिस है, लेकिन मुर्तद के मरने से पहले बेटा मर गया तो भी बेटा वारिस है, अब उस बेटे की जो आगे औलाद है जो वारिस है वो वारिस बन जाएंगे। ये माना है बल यखलुफुहु वारिसुहु, बल्कि इस वारिस का खलीफा बनेगा वारिसुहु, जो इसके वारिस हैं, यानी जो इस वारिस के वारिस हैं वो खलीफा बन जाएंगे, उनको माल मिलेगा। लिअन्नर्रिद्दत बिमंजिलतिल मौती, इसलिए क्योंकि मुर्तद होना यह मौत के दर्जे में है। यह दलील जिक्र कर दी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह इमाम साहब से रिवायत नकल करते हैं कि इर्तेदाद के वक्त का एतबार है, इर्तेदाद के वक्त जो वारिस है वो वारिस बनेगा, मौत के वक्त का कोई एतबार नहीं। और इर्तेदाद का क्यों एतबार है? कहते हैं इसलिए क्योंकि इर्तेदाद मौत के दर्जे में है। ये माना है ले अन्नर्रिद्दत बिमंजिलतिल मौती, इसलिए क्योंकि मुर्तद होना मौत के दर्जे में है, और मौत के वक्त ही तो वरासत मुंतकिल होती है। भाई आगे देखिए वअन्हु, ये अब तीसरी रिवायत आ गई इमाम साहिब से, और याद रखो ये रिवायत करते हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह इमाम साहिब से, तो ये रिवायत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने इमाम साहिब से नकल की है। वअन्हु, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से एक रिवायत ये है कि अन्नहु युअतबरु वुजूदुल वारिस इंदल मौती, कि वारिस का वजूद मुअतबर है इंदल मौती, मौत के वक्त, यानी मुर्तद की मौत के वक्त, वो जो मुरिस है भाई,
मुर्तद की मौत के वक्त जो वारिस जिंदा है वो वारिस बनेगा। तो इमाम साहब से एक रिवायत यह है कि अन्नहु युअतबर वजूदुल वारिस इंदल मौत, कि मुर्तद की मौत के वक्त वारिस का वजूद मुअतबर है। लिअन्नल हादिस बादन इकाद सबब قبل تمامه كالحادث قبل انعقاده بمنزلة الولد الحادث من المبيع قبل القبض। भाई इस जगह को अच्छी तरह समझ लें, यहां से ज़ाब्ता बयान कर रहे हैं। याद रखो, एक है सबब का मुनाकिद होना और एक है सबब का ताम होना, यानी पूरा हो जाना। पूरा हो जाना तो सबब का मुनाकिद होना और चीज है, सबब का ताम होना और चीज है। तवज्जो है, वो चीज जो सबब के मुनाकिद होने के बाद पाई गई लेकिन ताम होने से पहले पाई गई, वो चीज जो सबब के इनकाद के बाद पाई गई लेकिन उसके ताम होने से पहले पाई गई, तो उसको भी यूं ही शुमार किया जाता है जैसे वो मुनाकिद होने से पहले ही मौजूद थी। वो मुनाकिद होने से पहले ही मौजूद थी। फिर समझें, एक है सबब का मुनाकिद होना और एक है सबब का पूरा हो जाना। तो जो चीज सबब के मुनाकिद होने के बाद पाई गई अलबत्ता ताम होने से पहले है वो, तो इसको यूं ही समझेंगे कि ये गोया सबब के मुनाकिद होने से पहले पाई गई है। तवज्जो है भाई, सबब के मुनाकिद होने के बाद पाई गई है लेकिन ताम होने से पहले है, तो यूं समझेंगे मुनाकिद होने से भी ये पहले पाई गई है। जैसे देखो, मिसाल से वजाहत होगी। एक शख्स ने दूसरे से बांदी खरीदी, बांदी खरीदी या कोई हैवान खरीद लिया, गाय बकरी वगैरह खरीद ली, लेकिन बाय ने अभी ये मबीआ उस मुश्तरी के हवाले नहीं किया कि उससे पहले ही इस मबीए ने बच्चे को जन्म दे दिया, उस बांदी ने बच्चे को जन्म दिया या उस गाय या बकरी वगैरह ने बच्चे को जन्म दे दिया। तो देखो, जब इजाब और कबूल कर लिया था तो बै मुनाकिद हो गई, लेकिन अभी बै ताम नहीं हुई क्योंकि मुश्तरी ने अभी मबीए पर कब्जा नहीं किया। तो बै के मुनाकिद होने के बाद एक नई चीज पाई गई जो ताम होने से पहले है, तो इसको यूं ही समझेंगे गोया यह चीज मुनाकिद होने से भी पहले मौजूद थी, गोया यह भी बै के अंदर दाखिल हो गई, इसका भी इजाब और कबूल हुआ था। यूं समझेंगे, तवज्जो है, इजाब और कबूल के वक्त तो यह बच्चा मौजूद नहीं था लेकिन यूं ही समझेंगे ये इजाब और कबूल के वक्त मौजूद था, और जो बै हुई थी वो सिर्फ बांदी की नहीं हुई थी, इस बच्चे की भी साथ बै हुई थी, या सिर्फ उस गाय या बकरी की बै नहीं हुई थी, इस बच्चे की भी बै हुई थी, लिहाजा इस बच्चे के मुकाबले में भी समन आ जाएंगे। मसलन, उस खरीदार ने यह बांदी 1000 दिरहम की खरीदी है, 1000 दिरहम की खरीदी है, और इस पर कब्जा करने से पहले ही बांदी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया, तो अब यूं समझेंगे ये जो 1000 दिरहम है ये सिर्फ बांदी की कीमत नहीं है, ये बांदी और बच्चे दोनों की कीमत है। लिहाजा अगर बाय इस बच्चे को रोक लेता कि बच्चा मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तो उसी के मुताबिक समन भी कम हो जाएंगे। तवज्जो है, हां अलबत्ता एक बात है, अगर बाय के पास ये बच्चा हलाक हो गया उसके अमल के बगैर ही, उसके अमल के बगैर ही वैसे ही ये बच्चा हलाक हो गया, फिर इसका जमान नहीं आएगा बाय पर, क्योंकि बहरहाल ये बच्चा बै के वक्त मौजूद नहीं था। लेकिन अगर ये बच्चा जिंदा है तो इसको भी हवाले करना पड़ेगा भाई। तो हासिल कलाम ये कि वो चीज जो सबब के मुनाकिद होने के बाद उसके ताम होने से पहले पाई गई, तो इसको यूं ही समझेंगे गोया वो सबब के मुनाकिद होने से पहले पाई गई। तो दलील चल रही थी, इमाम मोहम्मद रहमला रिवायत नकल करते हैं इमाम साहब से कि इमाम साहब फरमाते हैं कि मुर्तद का वारिस बनने में सिर्फ उस मुर्तद की मौत मोतबर है, मौत के वक्त जो वारिस मौजूद होगा वो वारिस बनेगा, वो वारिस बनेगा। वजह यह कि इर्तेदाद मौत का सबब बनता है, पहले इर्तेदाद पाया गया, इर्तेदाद मौत का सबब बना है, लेकिन जब तक ये मुर्तद मरता नहीं अभी तक सबब ताम नहीं हुआ। तवज्जो है, तो लिहाजा इर्तेदाद मौत का सबब तो है लेकिन जब तक ये मुर्तद मरेगा नहीं सबब ताम नहीं। तो इर्तेदाद के बाद भी अगर कोई वारिस बनता है, मसलन इस मुर्तद का बाप काफिर है पहले से ही, इस मुर्तद का बाप
पहले से ही काफिर है और इसके इर्तेदाद के वक्त भी वो काफिर है, मालूम हो वो वारिस नहीं बन रहा, लेकिन मुर्तद के मरने से पहले उसका वो बाप मुसलमान हो गया, तो इस रिवायत के मुताबिक मुर्तद की मौत का एतबार है और मौत के वक्त तो इसका बाप मुसलमान है, वो इसका वारिस बन रहा है, तो ये वारिस बनेगा भाई। तो इसको यूं ही समझेंगे गोया इसका बाप मुर्तद के इर्तेदाद से पहले ही मुसलमान हो चुका है, क्योंकि सबब के मुनाकिद होने के बाद उसके ताम होने से पहले जो चीज पाई जाए उसको यूं ही समझा जाता है गोया वो सबब से पहले पाई गई है। बात समझ में आ गई, तो यूं समझेंगे गोया कि इसका ये बाप इसके मुर्तद होने से पहले ही मुसलमान हो गया था भाई। देखिए भाई कहते हैं वानहू, और इमाम साहेब से एक रिवायत यह है कि अन्नहु युअतबर वजूदुल वारिस इंदल मौती, कि मुर्तद की मौत के वक्त वारिस का वजूद मोतबर है, लिअन्नल हादिसा बादन इकादिस सबबी, हादिस कहते हैं कोई नई पेश आने वाली चीज, लिअन्नल हादिसा इसलिए क्योंकि वो चीज जो नई पेश आ जाए, बादन इकादिस सबबी सबब के मुनाकिद होने के बाद, इर्तेदाद वो मौत का सबब है, सबब के मुनाकिद होने के बाद एक नई चीज पेश आ गई कि उसके बाप ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो कहते हैं लिअन्न अल-हादिसा बादन इकादिस सबबी, इसलिए क्योंकि वो नई चीज जो सबब के मुनाकिद होने के बाद पेश आ जाए, क़ब्ला तमामी ही उस सबब के पूरा होने से पहले, वो इसी तरह होती है कल हादिसी क़ब्लन इकादी ही, जैसे कि वो नई चीज पेश आई हो, क़ब्लन इकादी ही सबब के मुनाकिद होने से पहले, बिमंजिलतिल वलदिल हादिसी बमंजिला उस बच्चे के जो पेश आ गया यानी जो पैदा हुआ, मीनल मबीही मबीए से क़ब्लल क़ब्ज़ी कब्जे से पहले, वो बच्चा जो मबीए से पैदा हो गया कब्जे से पहले, तो यूं ही समझेंगे गोया वो बैह से पहले ही पैदा हुआ है भाई। वतरिसुहु इम्रातुहुल मुस्लिमतु इज़ा माता, यहां से साहिबे हिदाया यह बयान फरमा रहे हैं कि मुर्तद की जो मुसलमान बीवी है वो भी उसकी वारिसा बनेगी अगर उसकी इद्दत के दौरान ही ये मुर्तद मर जाता है या इसको कत्ल कर दिया जाता है या ये दारुल हर्ब चला जाता है और काजी इस पर मौत का हुक्म लगा देता है। तवज्जो है भाई, याद रखो ये जो इर्तेदाद है ना, इर्तेदाद ये मरजुल मौत के दर्जे में है, इर्तेदाद मरजुल मौत के दर्जे में है, जैसे मरजुल मौत मौत तक पहुंचा देता है इसी तरह ये इर्तेदाद भी मौत तक पहुंचा देता है, तो इर्तेदाद किसके दर्जे में, मरजुल मौत के दर्जे में, और आप जानते हैं मरजुल मौत के अंदर वारिसों का हक उसके माल के साथ मुतालिक हो जाता है। चुनांचे आपने पीछे मसला पढ़ा था रजुले फार का, एक आदमी मरजुल मौत में मुबतला हो गया और आप जानते हैं मरजुल मौत में वारिसों का हक माल से मुतालिक हो जाता है, तो यहां बीवी का हक उसके माल से मुतालिक हो गया है, अब ये इसकी बीवी इसकी वारिसा बनने ही वाली है, जैसे ही शख्स का इंतकाल होगा बीवी वारिसा बन जाएगी, लेकिन मरजुल मौत में यह अपनी बीवी को तलाके बाइन दे देता है, तो इस आदमी को रजुले फार कहेंगे। फर्र या फिर्रू का क्या माना है, भागना, मालूम हुआ ये भागना चाहता है इस बात से कि इसकी बीवी इसकी वारिसा बन जाए, मालूम हुआ ये बीवी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो आपने पढ़ा है कि मरजुल मौत के अंदर कोई शख्स अगर अपनी बीवी को तलाके बाइन दे दे या तीन तलाकें दे दे, तो इस सूरत के अंदर वो औरत अभी इद्दत में ही हो और इस आदमी का इंतकाल हो जाए तो फिर यह वारिसा बनती है, तो फिर यह औरत इसकी वारिसा बनती है। वैसे याद रखो यह तो मरजुल मौत का मसला है, वैसे अगर एक आदमी अपनी बीवी को तलाके बाइन दे दे या तीन तलाकें दे दे तो फिर वो औरत वारिसा नहीं बनती, क्योंकि तलाके बाइन की वजह से निकाह पूरे तौर पर टूट जाता है। तो एक तंदुरुस्त और सही सलामत शख्स ने अपनी बीवी को तलाके बाइन दे दी या तीन तलाकें दे दी और दो दिन के बाद ही इस आदमी का इंतकाल हो गया, तो इसकी बीवी फिर भी वारिसा नहीं बनेगी, यह रजुले फार नहीं है, क्योंकि यह तो अचानक मर गया है, यह तो कोई बीमार वगैरह नहीं था। लेकिन अगर एक शख्स मरजुल मौत में मुबतला है, सबको नजर आ रहा है कि अब यह मरने वाला है, इतनी इसकी हालत खराब हो गई है, और इस दौरान अब यह बीवी को तलाक देता है,
तो दिलों में बदगुमानी आती है कि मालूम है ये इस औरत को, इस बीवी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। भाई अगर आपने तलाक ही देनी थी तो जिंदगी में जब आप तंदुरुस्त थे आप तब तलाक दे देते, अब आप जब मरने लगे हैं बीवी को तलाक दे रहे हैं, मालूम हुआ आप इसको वरासत से महरूम करना चाहते हैं। लिहाजा ये जो शख्स है इसको शरीयत ने रजुल फार करार दिया है, ये भाग रहा है इस बात से कि इसकी बीवी इसकी वारिसा बने। और रजुल फार जो है उसका इंतकाल हुआ अगर और बीवी अभी उसी इद्दत में है, इसने तलाक दे दी और बीवी अभी इद्दत में है, तो फिर वो वारिसा बनेगी जी। फिर वो वारिसा बनेगी। हां अगर इद्दत गुजर गई और उसके बाद इस रजुल फार का इंतकाल हुआ फिर तो निकाह पूरे तौर पर टूट चुका है, फिर वो वारिसा नहीं बनेगी। तो हासिल कलाम क्या कि रजुल फार जो है उसकी बीवी वारिसा बनती है अगर इद्दत के दौरान उस आदमी का इंतकाल हो जाए। तो याद रखो ये जो इर्तेदाद है ये भी मरजुल मौत के दर्जे में है, जैसे मरजुल मौत मौत तक पहुंचाता है ये इर्तेदाद भी मौत तक पहुंचा देता है। लिहाजा एक शख्स मुर्तद हुआ तो मुर्तद होते ही इसका निकाह बीवी से टूट गया, मुर्तद होते ही निकाह बीवी से टूट गया और यह इर्तेदाद किसके दर्जे में, मरजुल मौत के दर्जे में। गोया यह रजुल फार है, यह बीवी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसको वारिस नहीं बनाना चाहता। तो इस बीवी की इद्दत के अंदर अगर यह मुर्तद यह मर गया या इसको कत्ल कर दिया गया या यह दारुल हर भाग गया था और काजी ने इसके दारुल हर भाग जाने का फैसला लिख दिया तो यह इसकी मौत हुक्मी है। तो चाहे यह हकीकतन मरे इस इद्दत के दौरान या इस पर मौत का हुक्म लगा दिया जाए, तमाम सूरतों में बीवी इसकी वारिसा बनेगी। तवज्जो है, जब अभी ये मौत इद्दत के दौरान आए भाई, और अगर इद्दत के बाद आई चाहे ये मौत हकीकी है या मौत हुक्मी है तो फिर वो वारिसा नहीं बनेगी। बात समझ में आ गई। और ये भी याद रखना ये इर्तेदाद खुद मरज मौत के दर्जे में है, तो मुर्तद चाहे तंदुरुस्ती की हालत में ही क्यों ना हो जाए फिर भी इद्दत के अंदर इसकी बीवी इसकी वारिसा बनेगी भाई। तो कहते हैं वत्तरिसुहु इम्रअतुहुल मुस्लिमतु इज़ा माता, और ये मुर्तद की मुसलमान बीवी इसकी वारिसा बनेगी इज़ा माता, जब ये मुर्तद मर जाए अव कुतिला अला रिद्दती ही, या इसको इसके इर्तेदाद पर ही कत्ल कर दिया जाए। वहिया फिल इद्दती, इस हाल में कि इसकी बीवी इद्दत में है, मौत के वक्त इसकी बीवी इद्दत में है, तो वो वारिसा बनेगी। लिअन्नहु यसीरु फारन, इसलिए क्योंकि ये शख्स जो है भागने वाला हो गया। व इन काना सहीहन वक्तर रिद्दती, अगरचे ये आदमी तंदुरुस्त हो इर्तेदाद के वक्त, इर्तेदाद के वक्त तंदुरुस्त ही क्यों ना हो फिर भी बीवी इसकी वारिसा बनेगी, क्योंकि इर्तेदाद खुद मरजुल मौत के दर्जे में है भाई। तो मालूम हुआ ये इर्तेदाद जिसकी वजह से इसका निकाह टूट रहा है ये मरजुल मौत में तलाक की तरह हुआ जी। जैसे मरजुल मौत में तलाक होती है इसी तरह इस इर्तेदाद की वजह से निकाह टूट रहा है तो ये उसी के दर्जे में हुआ भाई। आगे देखिए वल मुर्तद्दा तु कस्बुहा लिवरसतिहा, और मुर्तद्दा औरत जो है उसकी कमाई उसके वारिसों के लिए है भाई। मुर्तद मर्द जो है उसकी हालत इस्लाम में जो कमाई थी इमाम साहब के नजदीक वो इसके वारिसों को मिलेगी, और जो हालत इर्तेदाद में कमाई थी वो माले फै है, वो माले गनीमत है। जबकि मुर्तद्दा औरत जो है उसकी कमाई माले फै नहीं, वो अपनी कमाइयों की मालिक है भाई, तो वो उसके वारिसों की तरफ मुंतकिल होगी, चाहे इस्लाम के अंदर उसकी कमाई है चाहे हालत इर्तेदाद में कमाई है। वजह यह कि मुर्तद मर्द हो तो उसको कत्ल किया जाता है, औरत हो तो उसको कत्ल नहीं किया जाता, उसको जेल में डालते हैं। तो मालूम हुआ मुर्तद जो मर्द है उसकी इस्मत खत्म हो गई, उसकी जान मासूम ना रही, जब जान मासूम ना रही तो उसका माल भी मासूम और महफूज ना रहा, वो भी माल गनीमत बन गया। और मुर्तद्दा औरत जो है उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, मालूम हुआ इर्तेदाद के बावजूद इसकी जान अभी भी मासूम और महफूज है, तो जब इसकी जान मासूम और महफूज है तो इस मुर्तद्दा का माल भी मासूम और महफूज होगा, वो उसकी मालिकन है भाई।
तो कहते हैं वल मुर्तद्दा तु कस्बुहा लिवरसतिहा, और मुर्तद्दा औरत जो है उसकी कमाई उसके वारिसों के लिए है, लिअन्नहु ला हिराब मिनहा, इसलिए क्योंकि मुर्तद्दा औरत की तरफ से तो जंग नहीं है, फलम यूजद सबबुल फैई, लिहाजा फै का सबब नहीं पाया गया, इसके माल का माले गनीमत होने का सबब नहीं पाया गया, मर्द की तरफ से जंग हो सकती है लिहाजा इसलिए उसका माल माले फै बन गया, लेकिन मुर्तद्दा औरत की तरफ से तो जंग नहीं हो सकती लिहाजा इसका माल माले फै नहीं बनेगा। तो कहते हैं लिअन्नहु ला हिराब मिनहा, इसलिए क्योंकि मुर्तद्दा औरत की तरफ से जंग नहीं है, फलम यूजद सबबुल फै, लिहाजा सबब फै ना पाया गया, बिखिलाफिल मुर्तद इंद अबी हनीफा रहमहुल्लाह, बखिलाफ मुर्तद के इमाम साहिब के नजदीक कि मुर्तद का माल माले फै है, साहिबैन तो फरमाते हैं उसका माल माले फै नहीं है, चाहे इर्तिदाद की हालत में ही क्यों ना कमाया हो भाई। तो यह माना है बिखिलाफ इल मुर्तद इंद अबी हनीफा रहमहुल्लाह, बखिलाफ मुर्तद के इमाम साहिब के नजदीक कि उसका माल माले फै है इमाम साहिब के नजदीक, वयरिसुहा ज़ौजुहल मुस्लिमु इन इर्तद्दत, भाई देखिए सूरत यह है कि एक शादीशुदा औरत है और वह मुर्तद्दा हो गई, तो क्या इसका खावंद इसका वारिस बनेगा या नहीं। कहते हैं अगर यह औरत मरजुल मौत में मुबतला थी जो यह मुर्तद्दा हुई है, तो मरजुल मौत के अंदर तो वारिसों का हक इसके माल से पहले से ही मुतालिक हो चुका है, लिहाजा फिर खावंद वारिस बनेगा। लेकिन अगर औरत जो है सेहत की हालत में मुर्तद हुई है, तो फिर इस सूरत में इसका खावंद इसका वारिस नहीं बनेगा। तवज्जो है, फिर दोहराइए क्या सूरत हुई, एक औरत है वो मरजुल मौत में मुबतला है और इस हालत के अंदर वो मुर्तद्दा हो गई, तो याद रखो इसका मुसलमान खावंद इसका वारिस बनेगा, और ये हुक्म इस्तेहसानन है, इस्तेहसान ये तकाजा करता है कि इसके खावंद को इसका वारिस बनना चाहिए, वरना कियास तो ये तकाजा करता है खावंद को वारिस नहीं बनना चाहिए, खावंद को वारिस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि क्योंकि औरत भी रजुले फार की वारिसा तब बनती है जब औरत अभी इद्दत में हो और इधर उसके खावंद का इंतकाल हो जाए, लेकिन यहां पर मुर्तद होने वाली औरत है और खावंद पर तो कोई इद्दत नहीं होती, खावंद पर कोई इद्दत नहीं, जब खावंद पर इद्दत नहीं है तो लिहाजा यह तकाजा करता है कि जब औरत मुर्तद्दा हो गई निकाह टूट गया, जब निकाह टूट गया और खावंद पर इद्दत है नहीं तो लिहाजा अब उसको उसका वारिस भी नहीं बनना चाहिए, कियास यह तकाजा करता है, लेकिन इस्तेहसानन इसका मुसलमान खावंद इसका वारिस बनेगा। वजह यह मुर्तद होने वाली औरत मरजुल मौत में मुबतला है और मरजुल मौत में वारिसों का इसके माल के साथ ताल्लुक हो जाता है, तो खावंद का भी इसके माल के साथ ताल्लुक हो गया और इस हालत में यह औरत मुर्तद हो रही है, मालूम हुआ यह खावंद को वरासत से महरूम करना चाहती है, खावंद का तो इसके माल के साथ ताल्लुक आ गया है और यह मुर्तद होकर खावंद के हक को बातिल करना चाहती है, लिहाजा इसलिए इस्तेहसानन इसका मुसलमान खावंद इसका वारिस बनेगा। तो कहते हैं वयर इसुहा ज़ौजुहल मुस्लिमु, और इस मुर्तद्दा का मुसलमान खावंद इसका वारिस बनेगा, इनिर्तद्दत, अगर ये औरत मुर्तद्दा हो गई, वही मरीजतुन, इस हाल में कि ये मरीजा है यानी मरजुल मौत में मुबतला है, लिकस्दिहा इब्ताला हक्की, इस वजह से कि इस औरत का इरादा जो है खावंद के हक को बातिल करना है, लिहाजा खावंद वारिस बनेगा इस्तेहसानन भाई। वह इनकानत सही हतन, और अगर यह औरत इर्तिदाद के वक्त सहीह थी यानी तंदुरुस्त थी, ला यरिसुहा, तो अब खावंद वारिस नहीं बनेगा क्योंकि खावंद के हक अभी भी इसके माल से मुतालिक नहीं हुआ क्योंकि सेहत की हालत में मुर्तद हुई है भाई। तो कहते हैं वह इन कानत सही हतन ला यरिसुहा, और अगर यह मुर्तद्दा होने वाली तंदुरुस्त थी, ला यरिसुहा, तो इसका मुसलमान खावंद इसका वारिस नहीं बनेगा, लिअन्नहा ला तुक्तलु, इसलिए क्योंकि मुर्तद्दा औरत जो है उसको तो कत्ल नहीं किया जाता, उसको तो कत्ल नहीं किया जाता, फलम यताअल्लक हक्कुहु, तो लिहाजा खावंद का हक मुतालिक नहीं हुआ, बिमालिहा, उस औरत के माल के साथ, बिरिद्दति, मुर्तद होने की वजह से। तो कहते हैं फलम यताअल्लक हक्कुहु बिमालिहा बिरिद्दति, तो खावंद का हक इस औरत के माल के साथ मुतालिक नहीं हुआ इसके मुर्तद होने की वजह से, बिखिलाफिल मुर्तदी, बखिलाफ मुर्तद के मुर्तद को तो कत्ल किया जाता है, तो वो इर्तिदाद भी किसके दर्जे में है, वो मरजुल मौत के दर्जे में है, लिहाजा वहां औरत का हक उसके माल के साथ मुतालिक हो जाता है।
आगे देखिए, قال وإن لحق بدار الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه عتق مدبروه وأمهات أولاده وحلت الديون التي عليه ونقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته من المسلمين। भाई यहां से अब बयान कर रहे हैं साहिबे हिदाया कि अगर मुर्तद भागकर दारुल हर्ब चला गया और काजी ने उसके दारुल हर्ब भागने का फैसला लिख दिया कि ये दारुल हर्ब जा चुका है मुर्तद होकर, तो आप जानते हैं काजी का ये फैसला भी मुर्तद के लिए मौत के दर्जे में है, तो ये मौत हुक्मी है। याद रखो जैसे मुर्तद की हकीकी मौत के अंदर उसका माल वारिसों की तरह मुंतकिल होता है, इसी तरह इस मौत हुक्मी की वजह से भी मौत के अहकाम आ जाएंगे और इसका माल वारिसों की तरह मुंतकिल हो जाएगा। और नीज इसके अगर कोई मुदब्बर है या उम्मे वलद है, आप जानते हैं मुदब्बर वो गुलाम जिसे आका ने कह दिया तुम मेरे मरने के बाद आजाद है, इसी तरह उम्मे वलद जो है वो बांदी जिससे आका की औलाद हुई है और आका ने भी इकरार कर लिया कि ये मेरी औलाद है, तो ये बांदी उम्मे वलद कहलाती है और आका के मरने के बाद ये आजाद हो जाती है। तो यहां पर भी काजी के इस फैसले की वजह से यानी इस मौत हुक्मी की वजह से अगर इस मुर्तद के कोई मुदब्बर या उम्महात औलाद हैं वो भी आजाद हो जाएंगे। तो कहते हैं قال صاحب قدوري फरमाते हैं وإن لحق بدار الحرب مرتدا और अगर ये शख्स दारुल हर्ब से जा मिला मुर्तद होकर وحكم الحاكم بلحاقه और हाकिम ने इसके दारुल हर्ब से जा मिलने का फैसला कर दिया عتق مدبروه وأمهات أولاده तो इस मुर्तद के मुदब्बर और इसकी जो उम्महात औलाद हैं वो आजाद हो जाएंगी। وحلت الديون التي عليه हल्ला या हिल्लू का माना है देन का वाजिबुल अदा हो जाना। हल्ला या हिल्लू का क्या माना है? देन का वाजिबुल अदा हो जाना। मसलन एक आदमी ने दूसरे के साथ बैर की थी और बैर के अंदर मुश्तरी ने 6 महीने बाद समन की अदायगी का वादा किया है तो ये देने मुअज्जल हुआ। तो ये जो देने मुअज्जल भी है याद रखो किसी शख्स के मरते ही ये देने मुअज्जल फौरन वाजिबुल अदा हो गया जी। ये देने मुअज्जल फौरन वाजिबुल अदा हो गया। भाई इससे पहले ये वाजिबुल अदा नहीं था यानी फौरी वाजिबुल अदा नहीं था, 6 माह के बाद इसकी अदायगी वाजिब होती। लेकिन जब कोई शख्स मर जाए तो उसके वो दुयून जिनमें उसने मुद्दत किसी को दी हुई थी वो फौरी वाजिबुल अदा हो जाते हैं। तो यहां पर भी इसी तरह होगा भाई। तो कहते हैं वहल्लती दुयून उल्लती अलैही और इसके वो दुयून जो इस पर थे वो वाजिबुल अदा हो जाएंगे, अब उनको फौरन अदा किया जाएगा, अब वो जो मुद्दत है वो खत्म हो गई। वनुकिला मक्ता सबहू फी हाल इस्लामी और मुंतकिल हो जाएगा वो माल जो इसने इस्लाम की हालत में कमाया था इला वरसती ही मीनल मुस्लिमीना इसके मुसलमान वारिसों की तरफ, जो माल इसने कमाया था वो उसके मुसलमान वारिसों की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। وقال الشافعي رحمه الله تعالى يبقى ماله موقوفا كما كان। भाई इमाम शाफी रहमतुल्लाह का मसअला पीछे गुजर गया था, वो फरमाते हैं कि मुर्तद की सारी कमाइयां जो हैं वो माले फै हैं, सारी कमाइयां माले फै हैं, उस पर से उसकी मिल्कियत खत्म हो गई लेकिन मौकूफ तरीके पर। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये मुर्तद जो भाग कर दारुल हर्ब चला गया है और काजी ने इसके भाग जाने का फैसला लिख दिया है फिर भी इसका माल उसी तरह मौकूफ रहेगा जैसे पहले मौकूफ था। इस मुर्तद का माल उसी तरह मौकूफ रहेगा जैसे पहले मौकूफ था यहां तक कि मुर्तद मर जाए या उसको कत्ल कर दिया जाए। हां जब उसको कत्ल कर दिया जाएगा तो अब इसका सारा माल जो है वो बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा क्योंकि वो माले फै है भाई, चाहे इस्लाम की कमाई है और चाहे इर्तेदाद की कमाई है भाई। तो कहते हैं वकाल शाफी रहमहुल्ला और इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं यबका मालुहु मौकूफन के मुर्तद का माल मौकूफ ही रहेगा कमा काना जैसे वो पहले था, यानी दारुल हर्ब भागने से पहले जैसे उसका माल मौकूफ था अभी भी उसका माल मौकूफ ही रहेगा। लिअन्नहु नौउ गैबतिन इसलिए क्योंकि ये भी एक किस्म की गैबत है, गैबत यानी गायब हो जाना। भाई याद रखो एक शख्स मुर्तद हुआ लेकिन वो दारुल इस्लाम के अंदर ही छुप गया भाग गया
तो जब तक वह दारुल इस्लाम के अंदर है इमाम साहब के नजदीक उसकी मिल्कियत मौकूफ रहेगी। हां जब वो दारुल हर्ब चला जाएगा और काजी उसके दारुल हर्ब चले जाने का फैसला लिख देगा फिर उसकी मिल्कियत माल पर से खत्म होगी। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं जिस तरह मुर्तद दारुल इस्लाम के अंदर गायब हो जाए तो उसका माल उसी तरह मौकूफ रहता है। तो यहां दारुल हर्ब अगर वो चला गया है तो ये भी एक किस्म का गायब होना है, और जैसे दारुल इस्लाम में गायब होने की वजह से इसकी मिल्कियत मौकूफ रहती है इसी तरह यहां भी इसकी मिल्कियत मौकूफ ही रहेगी, खत्म नहीं होगी। तो कहते हैं लिअन्नहु नौउ गैबतिन, इसलिए क्योंकि दारुल हर्ब चले जाना यह भी एक किस्म का गायब होना है। फअशबहल गैबता फी दारिल इस्लामी, तो यह दारुल हर्ब के साथ जा मिलना यह भी दारुल इस्लाम ही में गायब होने के मुशाबे है, तो लिहाजा यहां भी उसी तरह हुक्म रहेगा। वलाना, अब हमारी दलील आ गई अन्नहु सार मुर्तदम बिल लिहाक मिन अहलिल हर्बी। भाई इस इबारत पर जरा नजर रखिएगा, देखिए यहां आया वलाना अन्नहु सार मुर्तदम बिल लिहाक मिन अहलिल हर्बी, ये इबारत दुरुस्त नहीं है भाई, ये यहां मुर्तदन का लफ्ज नहीं होना चाहिए, वरना माना क्या बनता है। देखिए वलाना और हमारी दलील यह है कि अन्नहु सारा मुर्तदन, के वो मुर्तद हो गया, वो शख्स मुर्तद हो गया बिल लिहाक मिन अहलिल हर्बी, अहले हर्ब वालों से जा मिलने की वजह से, अहले हर्ब वालों से जा मिलने की वजह से ये शख्स मुर्तद हो गया, हालांकि मुर्तद तो ये पहले से ही है भाई, तवज्जो है। लिहाजा यहां यह मुर्तदन का लफ्ज नहीं होना चाहिए, और हिदायत के दीगर नुस्खों में यह लफ्ज यहां मौजूद नहीं है भाई। और यह जो आगे आ रहा है मिन अहलिल हर्बी, यह है खबर सारा की, अन्नहु सारा मिन अहलिल हर्बी, यह मुर्तद जो है यह भी अहले हर्ब वालों में से हो गया बिल लिहाकी, उनके साथ जा मिलने की वजह से, यह भी किस में से हो गया, अहले हर्ब वालों में से हो गया उनके साथ जा मिलने की वजह से। तो जरा मुर्तदन लफ्ज के बगैर तर्जमा देख लीजिए, वलाना और हमारी दलील यह है कि अन्नहु सारा के ये मुर्तद हो गया बिल हाकी, उन लोगों से जा मिलने की वजह से मिन अहलिल हर्बी, अहले हर्ब वालों में से, दारुल हर्ब जा मिलने की वजह से यह भी किस में से हो गया, अहले हर्ब में से हो गया भाई। तो ये मुर्तदन का लफ्ज यहां नहीं होना चाहिए। हां एक सूरत में, एक सूरत ये है कि इस मुर्तदन को सारा के लिए खबर न बनाएं, इसको हाल बना दें जी। इसको हाल बना दें फिर भी इबारत ठीक हो जाएगी। वलना और हमारी दलील ये है कि अन्नहु सारा मुर्तदम बिल लिहाकी, कि ये शख्स जो है इर्तेदाद की हालत में दारुल हर्ब वालों से जा मिलने की वजह से मिन अहलिल हर्बी, अहले हर्ब में से हो गया भाई। तवज्जो है, तो मुर्तद को हाल बना दें कि इर्तेदाद की हालत में इसका लिहाक हुआ है तो इसलिए ये अहले हर्ब में से हो गया भाई, तो फिर भी इबारत सही बन जाएगी भाई। देखिए हमारी दलील है, हमारी दलील यह है कि यह मुर्तद दारुल हर्ब चला गया है तो यह दारुल हर्ब वालों में से हो गया, और दारुल हर्ब वाले मुर्दों के हुक्म में हैं, इसलिए क्योंकि दारुल हर्ब वालों पर हम इस्लामी अहकाम लाजिम नहीं कर सकते। जैसे कोई शख्स मर जाए तो उस पर इस्लामी हुक्म को लाजिम नहीं किया जा सकता क्योंकि वह मर चुका है, तो इसी तरह दारुल हर्ब वाले जो हैं उन पर भी हम इस्लामी अहकाम को लाजिम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी वहां पर हकूमत नहीं है, हमें उन पर विलायत हासिल नहीं है। तो ये दारुल हर्ब वाले भी इस एतबार से मुर्दों की तरह हो गए, जैसे मुर्दे पर इस्लामी अहकाम लाजिम नहीं किए जा सकते क्योंकि वो मर चुका है, इसी तरह दारुल हर्ब वालों पर भी इस्लामी अहकाम लाजिम नहीं किए जा सकते। तो ये मुर्तद जाकर दारुल हर्ब वालों से मिल गया और वो मुर्दों के हुक्म में है, तो ये मुर्तद भी मुर्दों से जाकर मिल गया तो यह भी मुर्दों के हुक्म में हो गया। तो कहते हैं वलाना हमारी दलील यह है कि अन्नहु सारा मुर्तदम बिल लिहाकी, कि यह शख्स जो है इर्तेदाद की हालत में दारुल हर्ब जा मिलने की वजह से मिन अहलिल हर्बी, अहले हर्ब में से हो गया। वहुम अमवातुन फी हकी अहकामिल इस्लामी, और दारुल हर्ब वाले मुर्दा हैं इस्लामी अहकाम के हक में। लिनकिताई विलायतिल इल्जामी, इसलिए क्योंकि विलायत इल्जाम मुनकते
है, हम उन पर कोई हुक्म लाजिम नहीं कर सकते। तो कहते हैं लिनकिताई विलायतिल इल्जामी, इसलिए क्योंकि अहकाम को लाजिम करने की विलायत मुनकते है, यानी उन पर मौजूद नहीं है। कमा ही मुनकतियातुन अनिल मौता, जैसे कि विलायत इल्जाम मुनकते होती है मुर्दों से। तर्जमा समझ में आ रहा है, कमा ही मुनकतियातुन अनिल मौता, जैसे कि विलायत इल्जाम मुनकते होती है मुर्दों से। फसारा कल मौती, तो लिहाजा ये दारुल हर्ब वालों से जा मिलना ये हो गया कल मौती, किसकी तरह, मौत की तरह। फसारा कल मौती, तो ये दारुल हर्ब वालों से जा मिलना ये मौत की तरह हो गया। इल्ला अन्नहु ला यस्तकिर्रु लिहाकुहु इल्ला बिकज़ाइल काजी, यहां से ये बतला रहे हैं कि मुर्तद भागकर दारुल हर्ब चला गया, तो अगरचे वो मुर्दों के साथ जाकर मिल गया है लेकिन फिर भी फौरन उस पर मौत का हुक्म नहीं लगाएंगे जब तक काजी उसके बारे में फैसला न कर दे, इसलिए क्योंकि एहतमाल है शायद ये मुर्तद वापस आ जाए, तो इसके वापस लौटने का एहतमाल है, तो लिहाजा जब तक काजी फैसला नहीं करेगा इस पर मौत का हुक्म नहीं लगाया जाएगा। हां जब काजी फैसला कर देगा अब इसके वापसी का एहतमाल खत्म हो गया, जब वापसी का एहतमाल खत्म हो गया तो अब इसको मुर्दा करार दे दिया जाएगा। तवज्जो है, कहते हैं इल्ला अन्नहु ला यस्तकिर्रु लिहाकुहु, मगर ये कि इसका दारुल हर्ब वालों से जा मिलना वो साबित नहीं है। ला यस्तकिर्रु लिहाकुहु, इस्तकर्रा यस्तकिर्रु के क्या माना होते हैं, साबित होना। इल्ला अन्नहु ला यस्तकिर्रु लिहाकुहु, मगर यह कि इसका दारुल हर्ब वालों से जा मिलना वो साबित नहीं होगा। इल्ला बिकज़ाइल काजी, मगर काजी के फैसले के जरिए। लिहतिमालिल औदी इलैना, इसलिए क्योंकि इसके हमारी तरफ वापस लौटने का एहतमाल है। लिहतिमालिल औदी इलैना, इसलिए क्योंकि इसका हमारी तरफ वापस लौटने का एहतमाल मौजूद है। फला बुद्ध मिनल काजाई, लिहाजा काजी का फैसला जरूरी है भाई, काजी का फैसला जरूरी है। इस पर इश्काल होता है कि आपने कहा कि काजी का फैसला हो जाएगा तो फिर इसकी वापसी का एहतमाल खत्म हो जाएगा, हालांकि जैसे काजी के फैसले से पहले उसके वापस आने का एहतमाल है, इसी तरह काजी के फैसले के बाद भी इसके वापस आने का एहतमाल तो मौजूद है। तो उसका उलमा जवाब देते हैं कि हां काजी के फैसले के बाद भी उसके आने का एहतमाल मौजूद है, लेकिन शरीयत ने उसका एतबार नहीं किया। काजी के फैसले से पहले उसकी वापसी का एहतमाल मोतबर है, इसका एतबार किया जाएगा, लिहाजा इसे मुर्दा करार नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब काजी ने फैसला कर दिया अब उसकी वापसी के एहतमाल का एतबार नहीं किया जाएगा, यूं समझा जाएगा अब यह वापस नहीं आएगा। आगे देखिए, वह इदा तकर्ररा मौतुहू, और जब इसकी मौत साबित हो गई। सबतल अहकामुल मुतअल्लिकतु, तो वह अहकाम भी साबित हो गए जो मौत से मुतअल्लिक हैं। वही अमा जकर नाहा, और ये वो अहकाम है जो हमने जिक्र कर दिए कि इसके मुदब्बर और उम्महात औलाद आजाद हो जाएंगे, और इसी तरह इसका दैन मुअज्जल जो है उसकी अदायगी का वक्त हो जाएगा, और नीज इसका माल जो है जो इसने इस्लाम में कमाया है वो इसके वारिसों की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। ये मौत वाले सारे अहकाम जारी हो जाएंगे। ये माना है कि वईदा तकर्ररा मौतुहु सबतल अहकामुल मुतअल्लिकतु, और जब इसकी मौत साबित हो गई तो मौत से मुतअल्लिका अहकाम भी साबित हो जाएंगे। वही मा ज़करनाहा, और ये वो अहकाम है जो हमने ऊपर जिक्र कर दिए। कमा फिल मौतिल हकीकी, जैसे कि मौत हकीकी में होता है, जैसे मौत हकीकी के अंदर यह अहकाम साबित हो जाते हैं, इसी तरह मौत हुक्मी में भी यह अहकाम साबित हो जाएंगे। आगे देखिए, सुम्मयुअतबरु कौनुहु वारिसन इंदा लिहाकिही फी कौली मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह, यहां से साहिबैन का आपस में इख्तिलाफ नकल कर रहे हैं। भाई देखिए, एक है उस मुर्तद का दारुल हर्ब चले जाना और एक है फिर काजी का फैसला, तो वारिस होने के लिए किसका एतबार किया जाएगा। मसलन ये दारुल हर्ब गया है और काजी ने कई महीनों के बाद उसके दारुल हर्ब जाने का फैसला किया है, तो इसके वारिस होने का एतबार किस वक्त का किया जाएगा, जब ये दारुल हर्ब गया था
उस वक्त वारिस होना मुअतबर है या जब काजी ने फैसला किया है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि काजी का फैसला वो तो सिर्फ उसके जाने को साबित कर रहा है, हकीकत में तो वो जिस वक्त गया है उसी का एतबार किया जाए। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि काजी के फैसले की वजह से यह मुर्दों के हुक्म में हुआ है, तो लिहाजा काजी के फैसले के वक्त का एतबार होगा, उस वक्त इसका जो वारिस जिंदा है वो वारिस बनेगा भाई, और जो इसे पहले मर चुका है वो वारिस नहीं बनेगा। तो कहते हैं सुम्मा युअतबरु कौनहु वारिसन, फिर वारिस का वारिस होना मुअतबर है, इंद लिहाकी ही उस मुर्तद के दारुल हर्ब से जा मिलने के वक्त, फी कौली मोहम्मदिन रहिमहुल्ला, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल में, लिअन्ना लिहाका हुआ सबबु, इसलिए क्योंकि दारुल हर्ब से जा मिलना वही सबब है, यानी वही वारिस होने का असल सबब वही है भाई। वल कजा उलिता कर रूरी ही, और काजी का फैसला तो सिर्फ इसको साबित करने के लिए है, लिकत इहतेमाली, वापसी के एहतेमाल को काटने के लिए। काजी के फैसले से पहले तो वापसी का एहतेमाल था, लेकिन काजी के फैसले ने वापसी के एहतेमाल को काट दिया, खत्म कर दिया, तो लिहाजा दारुल हर्ब जाने का एतबार किया जाएगा, काजी के फैसले का एतबार नहीं किया जाएगा। तो यह माना है लिअन्ना लिहाका हुआ सबबु, इसलिए क्योंकि दारुल हर्ब से जा मिलना यही वारिस होने का सबब है, वल कजा उलितकररी ही, और काजी का फैसला तो इसी को साबित करने के लिए है, लिकतइल इहतेमाली, वापसी के एहतेमाल को काटने के लिए। वकाल अबू यूसुफ रहमहुल्ला, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला फरमाते हैं वक्तल कजाई, कि वारिस का वारिस होना मुअतबर है वक्त अल कजाई, काजी के फैसले के वक्त भाई, काजी के फैसले के वक्त जो वारिस मौजूद है वो वारिस बनेगा भाई। तो कहते हैं वकाल अबू यूसुफ रहमहुल्ला वक्त अल कजाई, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला फरमाते हैं कि उस वारिस का वारिस होना कजा के वक्त मुअतबर है, काजी के फैसले के वक्त देखा जाएगा कि वो वारिस वारिस बन रहा है या नहीं। लिअन्नहु यसीरु मौतम बिल कजाई, इसलिए क्योंकि वो जो लिहाक है वो कजा की वजह से मौत बना है, वो जो मुर्तद का दारुल हर्ब चले जाना है वो कजाए काजी की वजह से मौत बना है, वैसे खुद वो मौत के दर्जे में नहीं, तो जब कजाए काजी की वजह से वो लिहाक मौत बना है तो लिहाजा कजाए काजी ही का एतबार किया जाएगा, लिहाक का एतबार नहीं किया जाएगा। यह माना है लिअन्नहु यसीरु मौतम बिल कजाई, इसलिए क्योंकि वो लिहाक जो है यानी वो जो दारुल हर्ब चले जाना है वो कजाए काजी की वजह से मौत बना है, तो लिहाजा कजाए काजी का एतबार किया जाएगा। वल मुर्तद्दा तो इजा लहिकत बिदारिल हर्बी, और मुर्तद्दा जब दारुल हर्ब से जा मिली, फहिया अला हादल खिलाफी, तो वो भी इसी इख्तिलाफ पर है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं उस मुर्तद्दा के दारुल हर्ब जाने का वक्त मुअतबर है, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं काजी के फैसले का वक्त मुअतबर है भाई। आगे देखिए वतुक्ज़ा दुयूनुल लती लज़िमत हु फी हालिल इस्लामी मिम्मक्तसबहु फी हालिल इस्लामी, यहां से साहिब हिदाया मुर्तद के दुयून की अदायगी को जिक्र फरमा रहे हैं। मुर्तद पर दुयून थे, तो अब दुयून को किस माल से अदा किया जाएगा, कुछ उसकी कमाई है इस्लाम की हालत में और कुछ उसकी कमाई है इर्तेदाद की हालत में, तो इसके जो कर्जे हैं वो किस माल से अदा किए जाएंगे। जब ये मुर्तद जो है इस पर हकीकतन मौत आ जाए या हुक्मन मौत आ जाए तो कर्जे किस माल में से अदा किए जाएंगे, तो आपको बतलाएंगे कि जाहिर रिवायत के मुताबिक इस्लाम के अंदर जो कर्जे इस पर लाजिम हुए थे वो इस्लाम की कमाई के जरिए अदा किए जाएंगे, और इर्तेदाद की हालत में इस पर जो कर्जे आए हैं वो इर्तेदाद के माल से अदा किए जाएंगे। तो कहते हैं वतुक्ज़द दुयूनुल लती लज़िमत हु फी हालिल इस्लामी, और अदा किए जाएंगे वो दुयून जो इस मुर्तद को लाजिम हुए हैं इस्लाम की हालत में, मिम्मक्तसबहु फी हालिल इस्लामी, उस माल से जो इसने इस्लाम की हालत में कमाया है, वमा लज़िमत हु फी हालिर रिद्दतिही मिनद दुयूनी, और वो दुयून जो इस पर इर्तेदाद की हालत में लाजिम हुए हैं, तुक्ज़ा मिम्मक्तसबहु फी हाल रिद्दतिही, उनको अदा किया जाएगा मिम्मक्तसबहु उस माल से जिसको उसने कमाया है, फी हाल रिद्दतिही अपने इर्तेदाद की हालत में,
قال العبد الضعيف عصمه الله تعالى इस قال العبد الضعيف से मुराद साहिब हिदाया है। قال العبد الضعيف अल्लाह का कमजोर बंदा कहता है عصمه الله अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए هذه روايه عن ابي حنيفه رحمه الله ये रिवायत है इमाम साहिब से। यहां भी साहिब हिदाया बतलाएंगे कि इस सिलसिले में भी इमाम साहिब से तीन रिवायतें हैं कि मुर्तद के दुयून जो हैं वो किस माल से अदा किए जाएंगे। इस सिलसिले में इमाम साहिब से तीन रिवायतें हैं। एक ये रिवायत जो मतन में गुजर गई कि जो इस्लाम के अंदर कर्जे लाजिम हुए थे वो इस्लाम की कमाई के जरिए अदा किए जाएंगे और जो इर्तेदाद के अंदर कर्जे लाजिम हुए थे वो इर्तेदाद की कमाई से अदा किए जाएंगे। तो ये एक रिवायत है इमाम साहिब से जो मतन में आ गई। और याद रखो ये रिवायत इमाम साहिब से इमाम जुफर रहमला नकल फरमाते हैं। इमाम साहिब से यह रिवायत इमाम जुफर रहमला नकल फरमाते हैं। तो साहिब हिदाया फरमाते हैं हाजही रिवायतुन अन अबी हनीफा रहमहुल्ला कि ये रिवायत है इमाम साहिब से व अनहु और इमाम साहिब से ही एक और रिवायत यह है कि अनहु युबदउ बिकस्बिल इस्लामी कि इब्तिदा की जाएगी इस्लाम की कमाई से। इस्लाम की कमाई से कर्जों की अदायगी की जाएगी। जो भी कर्जे हैं चाहे इस्लाम में आए हैं चाहे इर्तेदाद में आए हैं लेकिन अदायगी का आगाज किस माल से करेंगे? वो माल जो इस्लाम की हालत में कमाया है अगर उसके जरिए सारे कर्जे अदा हो जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना फिर इर्तेदाद के माल के जरिए बाकी अदायगी की जाएगी। तो वान हूं तो इमाम साहब से एक रिवायत यह है कि अन्नहु युब्दउ बिकस्बिल इस्लामी के कर्जों की अदायगी की इब्तिदा की जाएगी इस्लाम की कमाई से। व इल्लम यफी बिजालिका वफा यफी का माना है पूरा होना। व इल्लम यफी बिजालिका और अगर इसके जरिए अदायगी पूरी ना हो तो युक्ज़ा मिन कस्बिर रिद्दती तो इर्तेदाद की कमाई में से अदायगी की जाएगी। ये दूसरी रिवायत है इमाम साहिब से और ये रिवायत नकल की है हसन इब्ने ज़ियाद रहमहुल्ला ने भाई। वअनहु अला अक्सी ही और इमाम साहिब से एक रिवायत इसके बरअक्स भी है। ये तीसरी रिवायत है और ये इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला इमाम साहिब से नकल करते हैं। इस रिवायत के मुताबिक कर्जों की अदायगी की इब्तिदा उस माल से की जाएगी जो इर्तेदाद की हालत में कमाया है और अगर उसके जरिए अदायगी पूरी नहीं होती तो फिर इस्लाम वाले माल को भी साथ मिला लिया जाएगा। तो कितनी रिवायतें हो गईं? तीन रिवायतें हो गईं। मतन में आया कि इस्लाम के कर्जे इस्लाम की कमाई से और इर्तेदाद के कर्जे इर्तेदाद की कमाई से अदा किए जाएंगे और ये रिवायत करते हैं इमाम जुफर रहमतुल्ला इमाम साहब से। दूसरी रिवायत हसन इब्ने ज़ियाद रहमतुल्ला इमाम साहब से करते हैं कि इब्तिदा इस्लाम की कमाई से की जाएगी। और तीसरी रिवायत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्ला नकल करते हैं इमाम साहब से कि कर्जों की अदायगी की इब्तिदा इर्तेदाद की कमाई से की जाएगी। भाई अब इनमें से हर कौल की वजह भी जिक्र फरमाएंगे। फुकहा पर अल्लाह की करोड़ा रहमतें हो भाई। देखो यहां इमाम साहब से तीन रिवायतें हैं और हर रिवायत की वजह बतलाएंगे, कोई भी बगैर वजह और बगैर दलील के नहीं है भाई। कहते हैं वजहुल अव्वली पहले कौल की वजह जो है वो ये है अन्नल मुस्तहक बि सबबैनी कि वो जिसका इस्तेहकाक हुआ है दो सबबों से मुख्तलिफुन वो मुख्तलिफ है। मुस्तहक भाई जिसका इस्तेहकाक हुआ है यानी जो वाजिब हुआ है, जो इस पर कर्जा वाजिब हुआ है, मुर्तद पर जो कर्जा वाजिब हुआ है दो अलग अलग सबबों से, एक सबब इस्लाम की हालत में है और एक सबब इर्तेदाद की हालत में है, ये दोनों सबब अलग अलग हैं, ये एक नहीं है जी। तो लिहाजा अदायगी भी अलग अलग माल से होनी चाहिए भाई। तो कहते हैं वजहुल अव्वली पहले कौल की वजह यह है कि अन्नल मुस्तहक बिस सबबैनी कि वो जो वाजिब हुआ है दो सबबों की वजह से मुख्तलिफ उन वो वाजिब मुख्तलिफ है। वह हुसूल कुल्ल वाहिद मिनल कस्बैनी बेअतबार सबबिल्लदी वजब लहुद्दैन। भाई ये दलील यही समझ लीजिए पहले भाई। देखिए इस मुर्तद ने इस्लाम की हालत में कुछ कमाई की थी तो जाहिर यही है कि इस कमाई का सबब वो कर्जे ही हैं भाई जो इस पर इस्लाम की हालत में लाजिम हुए थे जी। इसने इस्लाम की हालत में कमाई की है तो इस कमाई का सबब
वही कर्जे हैं जो इस पर इस्लाम की हालत में लाजिम हुए हैं। मसलन देखो, जब यह मुसलमान था इसने एक शख्स से एक गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीद ली और अभी तक इसके समन अदा नहीं किए। इसने कहा मैं 6 महीने बाद तुम्हें समन अदा करूंगा। तो देखो इस्लाम के अंदर इस पर दैन आ गया और फिर इसी गाड़ी को इस आदमी ने 12 लाख में आगे खुद फरोख्त कर दिया। तो देखो अब इसको माल हासिल हो गया। तो ये जो इस्लाम की हालत में कमाई हासिल हुई है इसका सबब वही कर्जे हैं जो इस्लाम की हालत में इस पर लाजिम हुए थे भाई। तो जब ये कमाई उन कर्जों की वजह से है तो इसी कमाई से ये कर्जे भी अदा करने चाहिए। और इसी तरह इर्तेदाद के अंदर जो इसने कमाई की है उसका सबब वो इर्तेदाद के जमाने के कर्जे हैं। तो जब उन कर्जों के जरिए इसने इर्तेदाद वाली कमाई की है तो उन्हीं के जरिए यह कर्जे भी अदा करने चाहिए भाई। दलील समझ में आ गई। तो कहते हैं वहसूल कुल्ली वाहिद मिनल कस्बैनी, और दोनों कमाइयों में से हर एक का हासिल होना बेअतबार इस सबब, ये उस सबब के एतबार से है अल्लदी वजब लहु दैनु, जिसकी वजह से इसको दैन वाजिब हुआ था। ये उस सबब के एतबार से है जिसकी वजह से इसको दैन लाजिम हुआ था। तवज्जो है, दोनों हालतों में जो कमाई है ये उसी सबब की वजह से है जिसकी वजह से इसको दैन लाजिम हुआ था, जिसकी वजह से इस पर दैन आया था भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वहसूल कुल्ली वाहिद मिनल कस्बैनी, और दोनों कमाइयों में से हर एक का हासिल होना बेअतबार इस सबब अल्लज़ी वजब लहु दैनु, ये उसी सबब के एतबार से है जिसकी वजह से इस पर दैन वाजिब हुआ था। फयुक्ज़ा कुल्लु दैनिन, तो लिहाजा अदा किया जाएगा हर दैन को मिनल कस्बिल मुक्तसब अल्लज़ी फी तिल्कल हालति। भाई यहां फिर यह इबारत दुरुस्त नहीं है भाई। मेरी किताब में है मिनल कस्बिल मुक्तसबिल लजी फी तिलकल हालती, ये अल्लजी यहां नहीं होना चाहिए भाई, ये अल्लजी यहां पर नहीं होना चाहिए। अगरचे अल्लजी हो फिर भी माना हो जाएगा लेकिन इसका ना होना मुनासिब है भाई। भाई पहले जरा अल्लजी के साथ हम तर्जमा कर लेते हैं। देखो मिनल कस्बिल मुक्तसबिल लजी फी तिलकल हालती, तो ये अलकस्ब ये है मौसूफ भाई, और कस्ब का क्या माना कमाई और आमदनी, और अल मुक्तसब ये इसमें मफूल है जिसको कमाया गया है। मिनल कस्बिल मुक्तसबी, वो कमाई जिसको कमाया गया है। अल्लज़ी फी तिल्कल हालती, ये दूसरी सिफत आ गई कस्ब की, वो कमाई और आमदनी। अल्लज़ी फी तिल्कल हालती, जो उस हालत में साबित थी, जो उस हालत में हुई। तवज्जो है भाई, देखिए अरबी में सिफत बाद में आती है लेकिन उर्दू के अंदर सिफत को मौसूफ से पहले लाते हैं। जैसे रजुलुन शुजाउन, रजुलुन मौसूफ है वो पहले है और शुजाउन सिफत है वो बाद में है। लेकिन उर्दू के अंदर जब इसका तर्जमा हम करेंगे रजुलुन शुजाउन का, तो तर्जमा होगा बहादुर आदमी। तो देखो बहादुर जो सिफत है वो मुकद्दम हो गई और आदमी जो मौसूफ है वो मुअख्खर हो गया। मालूम हुआ उर्दू में मौसूफ सिफत के तर्जमे का तरीका यह है कि सिफत को मौसूफ पर मुकद्दम कर दिया जाता है। रजुलुन शुजाउन, रजुलुन नकेरा है तो शुजाउन उसकी सिफत भी नकेरा, तो इसका तर्जमा कैसे करेंगे बहादुर आदमी। और अगर मारिफा हो तो मारिफा तो किसी मुअय्यन जात पर दलालत करता है, तो इस सूरत में शुरू में वो का लफ्ज भी ले आएंगे, शुरू में वो का लफ्ज ले आएंगे। जैसे अर रजुलु शुजाउ, तो इसका तर्जमा करेंगे वो बहादुर आदमी, क्योंकि ये मारिफा है, मालूम हो कोई मुतायन बहादुर आदमी है उसकी बात चल रही है। तो अर रजुल शुजाउ का क्या तर्जमा वो बहादुर आदमी, और रजुलन शुजाउन का क्या माना इसका माना बहादुर आदमी। ये तो एक तरीका था मौसूफ सिफत के तर्जमे का। और दूसरा तरीका मौसूफ सिफत के तर्जमे का यह है कि उर्दू में भी आप मौसूफ को मुकद्दम ही रखें और सिफत को मुअख्खर ही रखें। अलबत्ता मौसूफ से पहले अगर वो नकेरा है मौसूफ तो ऐसा या ऐसी का लफ्ज ले आए, और अगर वो मारिफा है तो फिर वो या उस इस जैसा कोई लफ्ज ले आएंगे। तो रजुलुन शुजाउन, इसके तर्जमे का एक तरीका क्या कि सिफत को मुकद्दम कर दें बहादुर आदमी, और दूसरा तरीका क्या कि मौसूफ को मुकद्दम रखें लेकिन उससे पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज ले आए। रजुलुन शुजाउन, ऐसा आदमी जो बहादुर है जी। ऐसा आदमी जो बहादुर है, और इसी को मारिफा बना दें जरा अर रजुलु शुजाउ, तो पहले तरीके के मुताबिक तर्जमा क्या होगा वो बहादुर आदमी, और दूसरा तरीका
अर रजुल शुजाऊ, वो आदमी जो कि बहादुर है। बात समझ में आ गई? तो यहां हम दोनों तरीकों को मिला लेंगे। देखो मीनल कस्ब इल मुक्तसब लजीफी तिलकल हालती, अल कस्ब है मौसूफ, अल मुक्तसब है सिफत अव्वल, और अल लजीफी तिलकल हालती यह है सिफत सानी। तो ये जो सिफत अव्वल है इसको हम मौसूफ पर मुकदम कर देंगे और सिफत सानी के लिए शुरू में वो का लफ्ज ले आएंगे। तो तर्जमा सुनिए, तो कहते हैं फयुक्जा कुल्लु दैनिन, तो अदा किया जाएगा हर दैन को मीनल कस्बिल मुक्तसबिल लदी फी तिलकल हालती, उस कमाई हुई आमदनी में से जो उस हालत में साबित हुई। मुक्तसब का क्या माना? कमाई हुई। वो कमाई हुई आमदनी, कस्ब का क्या माना? आमदनी। अल कस्बिल मुक्तसबी, वो कमाई हुई आमदनी, अल्लज़ी फी तिलकल हालती, जो उस हालत में पाई गई जी। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर यहां ये अल्लज़ी का लफ्ज ना हो, और याद रखो हिदाया के बाद नुस्खों में यहां लजी का लफ्ज नहीं है, और उस सूरत में माना बड़ा बेहतरीन और आसानी से हो जाता है। देखो इस सूरत में अल मुक्तसबी फी तिलकल हालती, ये फी तिलकल हालत इसी अल मुक्तसब से जुड़ जाएगा। तो अल मुक्तसबी फी तिलकल हालती, जिसको कमाया गया है उस हालत में, अल मुक्तसबी फी तिलकल हालती, जिसको उस हालत में कमाया गया है। अब तर्जमा सुनिए भाई, फयुक्जा कुल्लु दैनिन, तो अदा किया जाएगा हर दैन को मिनल कस्बिल मुक्तसबी फी तिलकल हालती, उस आमदनी से जो उस हालत के अंदर कमाई जाए, उस आमदनी से ही जो उस हालत में कमाई गई है। भाई आगे देखिए, लियकून अल गुर्म बिल गुनमी, ताकि जमान जो है वो नफे के बदले हो जाए। भाई याद रखो ये हदीस है, भाई हदीस है, और ये फिका का अहम जाबता भी है। भाई अल गुर्म बिल गुनमी, गुर्म भाई गैन रा मीम गुर्म, और गुन भाई गैन नून मीम, और गुर्म का माना है जमान और तावान। भाई जमान और तावान, और गुन भाई गैन नून मीम, उसका माना है नफा और फायदा। हदीस में आता है अल गुर्म बिल गुन मी, के जमान जो है वो नफे के बदले है। जमान नफे के बदले है, एक चीज का फायदा एक आदमी उठाता है तो उसका जमान भी उसी के ऊपर आएगा। मसलन आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी है, तो जो वो गाड़ी आपकी ममलूका है, तो इस गाड़ी से फायदा आप उठा रहे हैं तो इस गाड़ी का खर्चा भी आप पर आएगा। भाई अलगोरमो बिलगोनमी, या दूसरी सूरत ले लीजिए, एक शख्स दूसरे का माल छीन कर ले गया तो ये गासिब हुआ, तो अब इस माल से फायदा गासिब उठा रहा है तो इसका जमान भी गासिब पर आएगा। अगर इस चीज को कोई नुकसान पहुंचा तो गासिब को जमान देना पड़ेगा, क्योंकि अल गुर्मो बिल गुनमी, जमान जो है वो नफे के बदले है। भाई तो कहते हैं लियकून अल गुर्मो बिल गुनमी, ताकि जमान जो है वो नफे के बदले हो जाए। वजहुसानी, यहां से दूसरी रिवायत की वजह जिक्र कर रहे हैं। इमाम साहब का दूसरा कौल यह था कि इन कर्जों की अदायगी की इब्तेदा उस माल से की जाएगी जो इस्लाम की हालत में कमाया है, और उसके जरिए अदायगी ना हो सकी तो फिर वो इर्तेदाद वाले माल को भी साथ मिलाया जाएगा। अब उसकी वजह जिक्र करेंगे। कहते हैं वजहुसानी, और दूसरे कौल की वजह यह है कि अन कस्बल इस्लामी मिल्कुहु, कि इस्लाम की कमाई इसकी मिल्कियत है। हत्ता यखलुफुहुल वारिसु फीही, यहां तक कि उसका खलीफा बनता है इसके अंदर उसका वारिस। हत्ता यखलुफुहु, याद रखो यहां पर भी हत्ता नसब नहीं देगा, यखलुफु पर रफा ही पड़ेंगे भाई, क्योंकि मैंने बतलाया था कि हत्ता के नसब देने के लिए जरूरी है कि हत्ता का माबाद मुस्तकबिल होना चाहिए, हत्ता के माकबल की तरफ नजर करते हुए, और नीज वो हत्ता जो है वो गाया या सबबियत का फायदा दे, तो यहां ये शराइत पूरी नहीं, लिहाजा हत्ता नसब नहीं देगा। दलील यही समझ लीजिए। इमाम साहब का दूसरा कौल है कि इन कर्जों की अदायगी की इब्तिदा उस माल से की जाएगी जो इसने इस्लाम की हालत में कमाया है। वही वजह यह, पीछे यह बात जिक्र हुई थी, इमाम साहब फरमाते थे कि
कि इस्लाम की हालत में जो इसने माल कमाया है वो वारिसों की तरह मुंतकिल होगा, और इर्तेदाद की हालत में जो इसने माल कमाया है वो माल फै है, वो माल गनीमत है, वो बैतुल माल में जमा किया जाएगा और मुसलमानों की मसलहत के कामों में खर्च किया जाएगा। मालूम हुआ इर्तेदाद की हालत में जो कमाई है वो मुसलमानों का हक है, और इस्लाम की हालत में जो कमाई है वो इसी का हक है, उसका मालिक यही है, इसीलिए तो इसका यह माल इसके वारिसों की तरह मुंतकिल होता है भाई। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि इस्लाम के अंदर जो कमाई है इसका मालिक मुर्तद ही है, लिहाजा उसी के जरिए कर्जे अदा करेंगे, और अगर उससे अदायगी पूरी ना हो सकी फिर इर्तेदाद की कमाई से कर्जे अदा किए जाएंगे। तो कहते हैं वजहुस्सानी, इमाम साहब के दूसरे कौल की वजह यह है कि अन्ना कस्बल इस्लामी मिल्कुहु, कि इस्लाम की कमाई इसकी मिल्कियत है, हत्ता यखलुफुहुल वारिसु फीही, यहां तक कि इस इस्लाम की कमाई के अंदर इसका वारिस जो है इसका खलीफा बनता है, हत्ता यखलुफुहुल वारिसु, यहां तक कि इस मुर्तद का खलीफा उसका वारिस बनता है, फीही उस इस्लाम की कमाई में, इस मुर्तद का वारिस उस इस्लाम की कमाई में इसका खलीफा बनता है, खलीफा बनता है यानी वो माल वारिसों की तरह मुंतकिल होता है। वमिन शर्ति हादिहिल खिलाफती, और इस खिलाफत की शर्त में से है अल फराग अन हक्किल मूरिसी, कि ये माल जो है मूरिस के हक से फारिग होना चाहिए। भाई इधर देखिए, आप जानते हैं किसी शख्स का जब इंतकाल होता है तो उसका सारा माल फौरन ही वारिसों को नहीं देते, बल्कि पहले उस माल के जरिए मैयत का कफन दफन किया जाता है, और उसके बाद फिर मैयत के कर्जे अदा किए जाते हैं, और फिर तीसरे दर्जे में अगर मैयत ने कोई वसीयत की है तो वो बाकी माल जो बच गया है उसके तीसरे हिस्से में वो वसीयत नाफिज की जाती है, और उसके बाद चौथे नंबर पर वारिसों का हक आता है, तो अब जो माल बच गया वो वारिसों को दे दिया जाएगा। मालूम हुआ वारिसों को वो माल दिया जाता है जो मैयत के हक से फारिग हो, वारिसों को वो माल दिया जाता है जो मैयत के हक से फारिग हो। मैयत का हक क्या है? कि इसका कफन दफन किया जाए, इसके कर्जे अदा किए जाएं, इसकी वसीयत नाफिज की जाए, लिहाजा पहले मैयत के हक को पूरा करेंगे और फिर जो माल बचेगा वो वारिसों को दे देंगे। तो वही बयान कर रहे हैं कि यहां पर जो इस्लाम की कमाई है वो वारिसों का हक है, लेकिन वारिसों पर मुकद्दम मैयत का अपना हक है, लिहाजा इस इस्लाम की कमाई के जरिए पहले कर्जे अदा करेंगे और फिर बाकी माल वारिसों को देंगे, और अगर इस कमाई के जरिए कर्जे अदा नहीं होते फिर इर्तेदाद के माल को भी साथ मिलाया जाएगा। तो कहते हैं वमिन शर्ति हाजिहिल खिलाफती, और इस वरासत की खिलाफत के अंदर शर्त है अल फराग अन हक्किल मूरिसी, कि वो माल जो है मूरिस के हक से फारिग हो, फयुकद्दमु दैनु अलैही, लिहाजा ये जो मूरिस का दैन है इसको मुकद्दम किया जाएगा अलैही इस वारिस बनाने पर, मूरिस के हक को वारिस बनाने पर मुकद्दम किया जाएगा, पहले कर्जे अदा किए जाएंगे। अम्मा कस्बु रिद्दति फलैसा भी ममलूकिन लहू, बाकी जो इर्तेदाद की कमाई है फलैसा भी ममलूकिन लहू, वो इस मुर्तद की ममलूक नहीं है, लिबुतलानी अहलियतिल मिल्की, बवजह अहलियत मिल्क के बातिल होने के, बिर रिद्दति मुर्तद होने की वजह से, इंदहू इमाम साहेब के नजदीक। भाई आप पढ़ चुके हैं, इमाम साहेब फरमाते हैं कि जब कोई शख्स मुर्तद होता है तो उसकी मिल्कियत उसके माल पर से मौकूफ तरीके पर खत्म हो जाती है, उसकी मिल्कियत उसके माल पर से मौकूफ तरीके पर खत्म हो जाती है। साहिबैन के नजदीक तो मुर्तद की मिल्कियत खत्म नहीं होती क्योंकि वह मुकल्लफ है और मोहताज है, लेकिन इमाम साहब के नजदीक मुर्तद की मिल्कियत अपने माल से खत्म हो जाती है और यह मौकूफ तरीके पर खत्म हुई है। अगर मुर्तद दोबारा मुसलमान हो गया तो वह फिर अपने माल का मालिक बन जाएगा। तो उसी को जिक्र कर रहे हैं साहिब हिदाया कि जो इर्तेदाद की कमाई है ये मुर्तद इसका मालिक ही नहीं है क्योंकि इसमें मालिक बनने की सलाहियत ही खत्म हो चुकी है, मालिक बनने की सलाहियत ही खत्म हो चुकी है, लिहाजा ये माल फै है, मुसलमानों का माल है, ये मुसलमानों की मसलहतों में खर्च किया जाएगा। भाई
तो कहते हैं अम्मा कस्बुर रिद्दति फलैसा बिममलूकिन लहू, और बाकी इर्तेदाद की जो कमाई है वो मुर्तद की ममलूक नहीं है। लिबुतलानी अहलियतिल मिल्की बिर्रिद्दति, इस वजह से कि इर्तेदाद की वजह से मिल्कियत की अहलियत बातिल हो चुकी है। इंदहू इमाम साहेब के नजदीक, फला युक्ज़ा दैनहू मिनहू, लिहाजा उसमें से दैन अदा नहीं किया जाएगा। इल्ला इदा तअज़्ज़रा क़ज़ाउहू मिन महल्लिन आखरा, मगर यह कि जब उस देन की अदायगी मुतअज़्ज़िर हो जाए, मिन महल्लिन आखरा, दूसरी जगह से, यानी जब दूसरी जगह, यानी जब इस्लाम की कमाई के जरिए देन की अदायगी न हो सके, फिर मजबूरी की हालत में यह इर्तेदाद वाली कमाई से भी देन अदा किया जाएगा। तो कहते हैं फला युक्ज़ा दैनहू मिनहू, लिहाजा इर्तेदाद की कमाई से देन की अदायगी नहीं की जाएगी। इल्ला इदा तअज़्ज़रा क़ज़ाउहू मिन महल्लिन आखरा, मगर यह कि उस देन की अदायगी मुतअज़्ज़िर हो जाए दूसरी जगह से, यानी इस्लाम की कमाई से। फहीन इज़ युक्ज़ा मिनहू, तो उस वक्त इर्तेदाद की कमाई में से देन अदा किया जाएगा। यहां से साहिब हिदायत एतराज का जवाब दे रहे हैं। एतराज यह होता है कि आप हमें बता चुके हैं इमाम साहब के नजदीक यह जो इर्तेदाद की कमाई है यह माले फै है, यह आम मुसलमानों का हक है, तो इसके जरिए इसके कर्जे कैसे अदा किए जा सकते हैं? यह माल तो किसका है? यह इर्तेदाद की हालत की कमाई, यह तो किसका हक है? यह तो आम मुसलमानों का हक है, इसे तो बैतुल माल में जमा किया जाएगा और मुसलमानों की मसलहत के कामों में इसे खर्च किया जाएगा, तो फिर इसके जरिए इस मुर्तद के कर्जे कैसे उतारे जा सकते हैं? तो उसका जवाब दे रहे हैं कि यह इसी तरह है जैसे कोई जिम्मी है, वह जिम्मी मर गया और उसका कोई वारिस नहीं, तो उसका यह माल जो है बैतुल माल में जमा किया जाएगा, यह तमाम मुसलमानों का है और इसे मुसलमानों की मसलहत के कामों में खर्च किया जाएगा। लेकिन अगर उस जिम्मी पर कर्जे हुए तो इसी माल के जरिए अदा किए जाएंगे। तवज्जो है, एक जिम्मी मर गया और उसका कोई वारिस नहीं, तो उसका बाकी बचने वाला माल ये किसका हक है? आम मुसलमानों का। लेकिन अगर इस जिम्मी पर कोई कर्जे थे तो इसी माल से अदा किए जाएंगे। ये जो आम मुसलमानों का माल बन गया था, इसी के जरिए इसके कर्जे अदा किए जाएंगे। तो यहां मुर्तद के मसले में भी इसका वो माल जो माले फै था, इर्तेदाद की हालत में जो कमाया है, वो आम मुसलमानों का हक है, लेकिन इस पर अगर कर्जे हुए तो इसके जरिए भी अदायगी की जा सकती है, जब इस्लाम की कमाई के जरिए पूरी अदायगी न हो रही हो। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं का जिम्मी, ये जैसे कि जिम्मी जो है इजा माता वला वारिसा लहू, जब वो मर जाए इस हाल में कि उसका कोई वारिस ना हो, यकूनु मालुहू लि जमातिल मुस्लिमीना, तो उसका माल जो है मुसलमानों की जमात के लिए होता है। वलौ काना अलैहि दैनु युक्ज़ा मिनहू, और अगर उस मरने वाले जिम्मी पर कोई दैन हो तो उसको इसी माल में से अदा किया जाता है। कज़ालिका हाहुना, इसी तरह यहां पर भी होगा, यानी मुर्तद का जो माल जो मुसलमानों के लिए है उसी में से कर्जे की अदायगी की जाएगी। भाई आगे देखिए भाई, वजहु सालिसी, यहां से अब इमाम साहब की तीसरे कौल की वजह जिक्र करेंगे। इमाम साहब का तीसरा कौल जो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह रिवायत करते हैं वो ये है कि इन कर्जों की अदायगी की इब्तिदा जो है वो इर्तेदाद की कमाई से की जाएगी, और अगर उसके जरिए अदायगी ना हो सकी फिर इस्लाम की कमाई के जरिए अदायगी की जाएगी। भाई और उसकी दलील जिक्र करेंगे कि वजह यह है कि इस्लाम की जो कमाई है उसके अंदर वारिसों का हक है, और जो इर्तेदाद की कमाई है उसके अंदर वारिसों का हक नहीं है। तो इर्तेदाद की कमाई वो खालिस इस मुर्तद का हक है, इर्तेदाद की कमाई वो खालिस इस मुर्तद का हक है, लिहाजा वो कमाई जो खालिस मुर्तद का हक है उसके जरिए देन की अदायगी करना बेहतर है, उसके जरिए अदायगी की जाएगी। हां अगर उसके जरिए अदायगी न हो सकी तो फिर इस्लाम की कमाई के जरिए अदायगी की जाएगी। भाई तो कहते हैं वजहु सालिसी, और इमाम साहब के तीसरे कौल की वजह यह है कि अन्न कस्बल इस्लामी हकुल वारासती, कि इस्लाम की कमाई जो है वो उस मुर्तद के वारिसों का हक है। व कस्बुर रिद्दति खालिस हक्की ही, और इर्तेदाद की कमाई वो खालिस इस मुर्तद का हक है। इस पर आपके जहनों में इश्काल आएगा कि अभी आपने हमें बताया कि मुर्तद जो है वो इर्तेदाद की कमाई का मालिक नहीं है,
इर्तेदाद की कमाई का मालिक नहीं है, इस्लाम की कमाई का मालिक है, लिहाजा उससे कर्जों की अदायगी की जाएगी और इर्तेदाद की कमाई का यह मालिक नहीं। और अब आप कह रहे हैं कि यह जो इर्तेदाद की कमाई है यह खालिस मुर्तद का हक है। तो जवाब याद रखना कि बात उसी तरह है जो हमने कही, ये जो इर्तेदाद की कमाई है मुर्तद इसका मालिक नहीं है, अलबत्ता ये खालिस हक इसी का है। तो हक होना और चीज है और मालिक होना और चीज है, ये उसका मालिक नहीं है, अलबत्ता हक खालिस मुर्तद ही का है। मुर्तद का खालिस हक होने का ये माना कि इसके अंदर वारिसों का हक नहीं है भाई। तो कहते हैं वकसबुर रिद्दत खालिस हक ही, और इर्तेदाद की कमाई वो खालिस मुर्तद का हक है। फकान कजा उद्दैन मिनहु औला, लिहाजा उससे देन की अदायगी करना यह बेहतर है। इल्ला इदा ताअज़्ज़रा, मगर यह कि जब यह अदायगी मुताअज़्ज़िर हो जाए, भी अल्लम यफी बिही, यानी उसके जरिए अदायगी पूरी ना हो। फहीन इज़ युक़्ज़ा मिन कस्बिल इस्लामी, तो उस वक्त जो है इस्लाम की कमाई के जरिए कर्जे अदा किए जाएंगे। तकदीमन लिहक़िही, मुर्तद के हक को मुकदम करते हुए, मुर्तद के हक को मुकदम करते हुए वारिसों पर। अव्वलन जो खालिस मुर्तद का हक है यानी इर्तेदाद का माल, उसके जरिए अदायगी की जाएगी, और फिर उसके बाद जो इस्लाम के अंदर कमाई की है उसके जरिए अदायगी की जाएगी। अगरचे उसके अंदर वारिसों का हक है लेकिन खुद मूरिस का हक उस पर मुकदम होता है भाई। तो यह माना है तकदीमन लिहक़िही, मुर्तद के हक को मुकदम करने के लिए। यह तो थे इमाम साहब के तीन अकवाल और उनमें से हर एक की वजह भी। वकाल अबू यूसुफ व मोहम्मद रहिमहुमल्ला, और साहिबैन फरमाते हैं, अब साहिबैन का मजहब आ गया भाई, साहिबैन फरमाते हैं कि मुर्तद अपनी दोनों कमाइयों का मालिक है, चाहे इस्लाम की कमाई है चाहे इर्तेदाद की कमाई है, और ये दोनों कमाइयां वारिसों की तरफ भी मुंतकिल होती हैं, तो देन भी इन्हीं दोनों कमाइयों के जरिए अदा किए जाएंगे और जो बाकी माल बचेगा वो फिर वारिसों की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। तो कहते हैं वकाल अबू यूसुफ व मोहम्मद रहिमहुमल्लाह तआला, और साहिबैन फरमाते हैं तुक्ज़ा दुयूनुहु मिनल कस्बैनी, के मुर्तद के कर्जे जो हैं वो इन दोनों कमाइयों से अदा किए जाएंगे। लिअन्नहुमा जमीअम मिल्कुहु, इसलिए क्योंकि ये सारी इसकी मिल्कियत है। हत्ता यजरिल इर्सु फीहिमा, यहां तक कि इन दोनों के अंदर वरासत जारी होती है। वल्लाहु आलम, और अल्लाह खूब जानने वाले हैं भाई। यहां भी याद रखना हत्ता यजरिल इर्सु फीहिमा, ये यहां हत्ता नसब नहीं देगा भाई, लिहाजा यजरी जो है उस पर नसब नहीं आएगा। हत्ता यजरिल इर्सु फीहिमा, यहां तक इन दोनों के अंदर वरासत जारी होगी। वल्लाहु आलम, और अल्लाह खूब जानने वाले हैं। قال وما باعه او اشتراه او اعتقه او وهبه او رهنه او تصرف فيه من امواله في حال ردته فهو موقوف। यहां से मुर्तद के तसर्रुफात बयान करेंगे। एक शख्स मुर्तद हो गया और इर्तेदाद के बाद वो अपने माल में तसर्रुफात करता है, तो मुर्तद के कौन कौन से तसर्रुफात जो हैं वो नाफिज होंगे और कौन से नाफिज नहीं होंगे। साहिब हिदायत आगे चलकर आपको तफसील बयान करेंगे कि मुर्तद के तसर्रुफात चार किस्म पर हैं। कुछ तसर्रुफात बिल इत्तेफाक नाफिज हैं यानी हमारे तीनों अइमा के नजदीक, और कुछ तसर्रुफात ऐसे हैं कि वो बिल इत्तेफाक बातिल हैं हमारे तीनों अइमा के नजदीक, और कुछ उसके वो तसर्रुफात हैं जो बिल इत्तेफाक मौकूफ हैं, और कुछ ऐसे तसर्रुफात हैं कि जिनमें इमाम साहब और साहिबैन का इख्तिलाफ है। इमाम साहब फरमाते हैं वो तसर्रुफात मौकूफ हैं और साहिबैन फरमाते हैं वो तसर्रुफात नाफिज हैं भाई। तो उसी को यहां बयान फरमा रहे हैं। याद रखो ये जो तसर्रुफात जिक्र कर रहे हैं, मसलन क्या जिक्र किया, वमा बाअहु अविश्तराहु औ आतकहु औ वहबहु औ रहनहु औ तसर्रफ फीहि मिन अमवालिहि, कि अगर मुर्तद कोई चीज बेचता है या खरीदता है या अपने गुलाम या बांदी को आजाद करता है या किसी को कोई तोहफा देता है या कोई चीज रहन रखवाता है या इस किस्म का कोई और तसर्रुफ
अपने माल में वो करता है। तो इमाम साहब के नजदीक मुर्तद के ये तसर्रुफात मौकूफ हैं, क्योंकि ये जो तसर्रुफात जिक्र हो रहे हैं, किसी चीज को बेचना या खरीदना या गुलाम या बांदी को आजाद करना या कोई चीज किसी को तोहफे में देना या कोई चीज किसी के पास रहन रखवाना, इन तमाम तसर्रुफात की बुनियाद मिल्कियत पर है। एक शख्स किसी चीज का मालिक हो तो वो ये तसर्रुफात कर सकता है, जबकि मुर्तद जो है उसकी तो मिल्कियत जो है वह मौकूफ तरीके पर खत्म हो चुकी है। तो जब मुर्तद की मिल्कियत मौकूफ है तो उसके ये तसर्रुफात जिनकी बुनियाद मिल्कियत पर है वो भी मौकूफ होंगे। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि मुर्तद अपनी चीजों का अभी भी मालिक है, लिहाजा उनके नजदीक ये सारे तसर्रुफात नाफिस हैं मुर्तद के, क्योंकि इनकी बुनियाद मिल्कियत पर है और मुर्तद अपने माल का मालिक है भाई। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वमा बाहू, और वो चीज जिसको मुर्तद बेचे अविश्तराहू या उसको मुर्तद खरीदे, औ आताकहू या जिसे मुर्तद आजाद करे, औ वह बहू या जिसे मुर्तद हिबा करे यानी किसी को तोहफे के तौर पर दे, औ रहा न हो या किसी के पास रहन रखवाए, औ तसर्रफा फी ही या उसके अंदर कोई तसर्रुफ करे, मीन अमवाली ही यानी उसके जो अमवाल हैं, याद रखो ये मीन अमवाली ही ये बयान है वो जो पीछे आया था वमा बाहू अविश्तराहू अव्यताकाहू वगैरह भाई तवज्जो है। तो ये जो तसरुफात करे यानी अपने माल के अंदर वो ये तसरुफात करे, फी हाल रिद्दती ही अपने मुर्तद होने की हालत में, फहुआ मौकूफुन तो उसका ये तसरुफ जो है मौकूफ है, फइन असलमा अगर ये मुर्तद मुसलमान हो गया, सहत उकूदुहू तो इसके ये अकद सही हो जाएंगे, व इन माता औकुतिला औलहका बिदारिल हर्बी और अगर ये मुर्तद मर गया या इसको कत्ल कर दिया गया या ये दारुल हर्ब से जा मिला, बातलत तो इसके ये अकद बातिल हो जाएंगे, वहादा इंदा अबी हनीफा रहमहुल्ला और ये इमाम साहेब के नजदीक है, वकाल अबू यूसुफ व मोहम्मद رحمهم الله تعالى और साहिबैन फरमाते हैं यजूज़ु मा सना फिल वजहैन कि जायज है मा सना जो अमल भी मुर्तद ने किया, फिल वजहैन दोनों सूरतों में, मुर्तद ने जो तसर्रुफ किया है जो कुछ किया है वो दोनों सूरतों में जायज है, यानी चाहे वो इस्लाम लाए या इस्लाम ना लाए दोनों सूरतों के अंदर उसके तसर्रुफात नाफिज हैं भाई, क्योंकि मुर्तद की मिल्कियत साहिबैन के नजदीक खत्म नहीं हुई भाई। तो कहते हैं साहिबैन फरमाते हैं यजूज़ु मा सना फिल वजहैन के जायज है जो भी मुर्तद करे फिल वजहैन दोनों सूरतों में, कौन सी दो सूरतें, एक सूरत यह है कि वह इस्लाम ले आए और दूसरी सूरत यह है कि वह मर जाए या कत्ल कर दिया जाए या दारुल हर्ब चला जाए और काजी उसके जाने का फैसला कर दे। बात समझ में आ गई। आगे देखिए इअलम अन्न तसर्रुफात अल-मुर्तदि अला अक्सामिन, तू जान ले कि मुर्तद के जो तसर्रुफात हैं वो कई किस्म पर हैं। आपको बतलाएंगे कि मुर्तद के तसर्रुफात जो हैं वो चार किस्म के हैं, नाफिज़ुम बिल इत्तिफाकी, एक किस्म का तसर्रुफ वो है जो बिल इत्तिफाक नाफिज है यानी हमारे तीनों अइमा के नजदीक, कल इस्तीलादी जैसे कि उम्मे वलद बनाना व तलाकी और जैसे कि तलाक है। याद रखो मुर्तद का उम्मे वलद बनाना अपनी बांदी को यानी बांदी से कोई औलाद हुई और मुर्तद ने कह दिया ये मेरी औलाद है तो ये बांदी इसकी उम्मे वलद बन जाएगी, और इसी तरह मुर्तद जो है वो अगर अपनी बीवी को तलाक देता है तो इस सूरत में बिल इत्तिफाक ये तलाक भी वाकई हो जाएगी। तो मुर्तद का अपनी बांदी को उम्मे वलद बनाना या अपनी बीवी को तलाक देना यह बिल इत्तेफाक नाफिज है हमारे तीनों इमा के नजदीक। तो इस्तीलाद के मसले में साहिबैन पर तो कोई इश्काल नहीं होता, इसलिए क्योंकि साहिबैन के नजदीक कोई शख्स मुर्तद भी हो जाए तो उसकी मिल्कियत अपने माल पर से खत्म नहीं होती, लिहाजा यह बांदी जो है यह मुर्तद अब भी इसका मालिक था, और अपनी बांदी से जब औलाद हो तो आका कह सकता है यह मेरी औलाद है। तवज्जो है, किसी बांदी को उम्मे वलद बनाने के लिए जरूरी है कि वो बांदी उस शख्स की ममलूका हो, अगर गैर की बांदी है तो वहां कोई शख्स कह भी दे ये बांदी से जो औलाद हुई है ये औलाद मेरी है, इससे नसब साबित नहीं होगा क्योंकि वो तो जिना है भाई। तवज्जो है, दूसरे की बांदी से सोहबत तो जिना है भाई। तो सवाल पैदा होता है
कि साहिबैन के नजदीक तो मुर्तद की मिल्कियत बांदी पर अभी भी बाकी थी, लिहाजा मुर्तद का उम्मे वलद बनाना सही है, लेकिन इमाम साहब के नजदीक तो मुर्तद की मिल्कियत जो है मौकूफ तरीके पर अपने मालों से खत्म हो गई है, तो अपनी बांदी से भी इसकी मिल्कियत खत्म हो गई है, तो फिर ये इसकी उम्मे वलद कैसे हो सकती है? तवज्जो है, मुर्तद होने के बाद ये बांदी को उम्मे वलद बना रहा है, तो ये कैसे अपनी बांदी को उम्मे वलद बना सकता है? ये मुर्तद जो है इमाम साहब के मजहब पर एतराज होता है, तो वजह जिक्र करेंगे कि भाई बांदी को उम्मे वलद बनाने के लिए हकीकतन मिल्कियत का होना जरूरी नहीं है, हकीकतन मिल्कियत का होना जरूरी नहीं है। जैसे आप पीछे मसला पढ़ चुके हैं कि बाप ने अपने बेटे की बांदी से सोहबत कर ली और उस बांदी ने बच्चे को जन्म दिया और बाप ने कह दिया कि यह बच्चा मेरा है, तो यह बांदी उस बाप की उम्मे वलद हो जाएगी। मालूम हुआ उम्मे वलद बनाने के लिए हकीकतन मिल्कियत का होना जरूरी नहीं, जब हकीकतन मिल्कियत का होना जरूरी नहीं है तो लिहाजा मुर्तद का भी अपनी बांदी को उम्मे वलद बनाना सही है, क्योंकि वहां हकीकतन मिल्कियत का होना जरूरी ही नहीं है। और नीज तलाक का मसला कि मुर्तद तलाक कैसे देगा अपनी बीवी को, क्योंकि मुर्तद होते ही निकाह तो टूट गया जी। तो जवाब यह कि आप जानते हैं कि इद्दत के दौरान खावंद अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। एक शख्स है, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, यह औरत अब इद्दत गुजार रही है, इस इद्दत के अंदर खावंद और तलाक देगा तो वह भी वाकई हो जाएगी भाई जी। चाहे इसने तलाके रजई दी हो, चाहे तलाके बाइन दी हो, लेकिन औरत अभी इद्दत के अंदर है, तो इद्दत के अंदर अगर खावंद और तलाक देगा तो वो भी वाकई हो जाएगी। तो यहां पर भी इसी तरह है, मुझे एक शख्स जब मुर्तद हुआ तो उसके और बीवी के दरमियान बैनूनत आ गई, जुदाई आ गई, निकाह टूट गया, लेकिन फिर भी बैनूनत के बाद भी यह औरत इद्दत गुजारेगी, ये फौरन आगे निकाह नहीं कर सकती, तो औरत इद्दत के अंदर है और इस दौरान मुर्तद उसको तलाक देता है तो तलाक वाकई हो जाएगी। निकाह तो टूट चुका है लेकिन तलाक वाकई हो जाएगी। या दूसरी सूरत बना लें कि खावंद और बीवी दोनों इकट्ठे मुर्तद हो गए, अलायाज़ु बिल्ला भाई, तवज्जो है, दोनों इकट्ठे मुर्तद हो गए, तो इस सूरत में आप पढ़ चुके हैं निकाह नहीं टूटता, और फिर उसके बाद ये मुर्तद अपनी इस मुर्तद्दा बीवी को तलाक देता है तो उसका यह तसर्रुफ सही है और तलाक वाकई हो जाएगी जी। सूरत समझ में आ गई। तो कहते हैं कि एलम अन्न तसरुफात इन मुर्तदी अला अकसामिन के मुर्तद के तसरुफात कई किस्म पर हैं, नाफिजुम बिल इतफाकी, कुछ वो तसरुफात हैं जो बिल इतफाक नाफिज हैं, कल इस्तीला दिव तलाकी, जैसे कि उम्मे वलद बनाना और तलाक देना, और यह तलाक किस दौरान दे सकता है? इद्दत के दौरान, इद्दत के बाद नहीं। कल इस्तीला दिव तलाकी, जैसे कि उम्मे वलद बनाना और तलाक, لِأَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى حَقِيقَةِ الْمِلْكِ وَتَمَامِ الْوِلَايَةِ, इसलिए क्योंकि यह मोहताज नहीं है إِلَى حَقِيقَةِ الْمِلْكِ, हकीकतन मिल्कियत का, ये उम्मे वलद बनाना यह हकीकत मिल्क का मोहताज नहीं, जैसे बाप अपने बेटी की बांदी को अपनी उम्मे वलद बना सकता है। तो कहते हैं لِأَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى حَقِيقَةِ الْمِلْكِ, इसलिए क्योंकि यह हकीकी मिल्कियत का मोहताज नहीं है, वह तमामिल विलायती, और इसी तरह विलायत के पूरा होने का मोहताज नहीं है, इसका ताल्लुक तलाक से है। वह तमामिल विलायत का ताल्लुक किससे है? तलाक से है। सवाल पैदा होता है मुर्तद कैसे तलाक दे सकता है, तो उसका जवाब यह कि तलाक देने के लिए पूरी विलायत का होना जरूरी नहीं। मसलन देखो, गुलाम जो है, गुलाम को अगर आका निकाह की इजाजत दे देता है और गुलाम निकाह कर लेता है तो यह गुलाम अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, हालांकि गुलाम को तो किसी तसर्रुफ की इजाजत नहीं, गुलाम को तो किसी तसर्रुफ की इजाजत नहीं, गुलाम को तो कोई विलायत हासिल नहीं है, फिर भी वो तलाक दे सकता है अपनी बीवी को। तो मुर्तद के तो बास तसर्रुफात बिल इतफाक नाफिज हैं, तो यह तो बतरीके औला अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। गुलाम जिसको किसी तसरुफ का हक नहीं, जब वो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है तो मुर्तद भी अपनी बीवी को इद्दत के दौरान तलाक दे सकता है। बात समझ में आ गई। तो ये माना है वह तमामिल विलायती, और ये तलाक जो है वो विलायत के पूरा होने की मोहताज नहीं है, वह बातिलुम बिल इतफाकी, और मुर्तद के कुछ तसरुफात जो है वो बिल इतफाक बातिल हैं, कन निकाह व जबीहती, जैसे कि निकाह है और जबीहा है,
मुर्तद के कुछ तसर्रुफात बिल इत्तेफाक बातिल हैं, जैसे निकाह। भाई वो पिछले निकाह की बात नहीं हो रही जो पहले मुर्तद ने किया हुआ था, वो तो मुर्तद होते ही वो निकाह टूट गया, ये नए निकाह की बात हो रही है। एक शख्स मुर्तद होने के बाद निकाह करता है तो ये निकाह बातिल है, निकाह होगा ही नहीं भाई, क्योंकि मुसलमान का ही मुसलमान से निकाह हो सकता है, लिहाजा उसका निकाह बातिल है। या इसी तरह मुर्तद जो है किसी जानवर को जिबा करता है तो जबीहा जो है उसकी बुनियाद भी इस्लाम पर है, लिहाजा इसका जबीहा भी हराम है, जायज नहीं है भाई। तो कहते हैं वह बातिल बिल इत्तेफाकी, और इसके कुछ तसर्रुफात बिल इत्तेफाक बातिल हैं, का निकाह व जबीहती, जैसे कि निकाह और जबीहा है, जबीहा वो जानवर जिसको जिबा किया जाता है, कन निकाह व जबीहती, जैसे कि निकाह और जबीहा है, ले अन्नहु यातमिदुल मिल्लता, मिल्लत का क्या माना है, दीन भाई, ले अन्नहु यातमिदुल मिल्लता, इसलिए क्योंकि इनमें से हर एक का एतमाद दीन पर है, निकाह का दारोमदार भी दीन पर है और जबीहे का दारोमदार भी दीन पर है। तो कहते हैं लिअन न हुई आतमिदुल मिल्लता, इसलिए क्योंकि इनमें से हर एक का एतमाद जो है वो दीन पर है, वला मिल्लता लहू, और मुर्तद का तो कोई दीन नहीं है, मुर्तद का तो कोई दीन नहीं है। भाई सवाल पैदा होता है मुर्तद का कैसे दीन नहीं है, मसलन उसने इस्लाम को छोड़ा है और ईसाइयत को इख्तियार कर लिया है तो उसका दीन तो है। कहते हैं भाई उसका दीन हो भी तो भी उसका कोई एतबार नहीं है, क्योंकि मुर्तद को मजबूर किया जाएगा कि वो फिर इस्लाम की तरफ लौट आए या उसको कत्ल कर दिया जाएगा, तो उसको उसके नए दीन पर बाकी रहने ही नहीं दिया जाएगा। तो ये इसी तरह है जैसे गोया उसका कोई दीन है ही नहीं। तो कहते हैं वला मिल्लत लहू, और मुर्तद का कोई दीन नहीं है, वह मौकूफ बिल इत्तेफाकी, और मुर्तद के कुछ तसर्रुफात मौकूफ हैं बिल इत्तेफाक भाई, कल मुफावजती, जैसे कि अक़्दे मुफावजा है भाई। मुफावजा याद रखो ये शिरकत की एक किस्म है जी। ये कारोबार में शिरकत की एक किस्म है, तो ये शिरकत का आगे बयान आने वाला है, वहां इसकी तफसील आ जाएगी। यहां बस इतना याद रखें कि शिरकत मुफावजा या अक़्द मुफावजा, ये दो आदमियों के दरमियान अक़्द होता है, दो ऐसे आदमी जिनका माल बिल्कुल बराबर है, जिनका माल बिल्कुल बराबर है, यानी एक के पास अगर 20 दिरहम है तो दूसरे के पास भी 20 दिरहम है भाई। और याद रखो ये जो अक़्द मुफावजा है इसकी बुनियाद मुसावात पर होती है, इसकी बुनियाद मुसावात पर होती है, लिहाजा ये उन्हीं दो आदमियों के दरमियान होगा जिनका माल भी बराबर हो, जिनका दीन भी बराबर हो और जिनका तसर्रुफ भी बराबर हो। यानी दो मुसलमान हैं तो इनका माल भी बराबर होना चाहिए, तो ये अक़्द मुफावजा कर सकते हैं। नीज दोनों का दीन भी एक है लिहाजा ये अक़्द मुफावजा कर सकते हैं, और नीज दोनों के तसर्रुफात भी एक जैसे हैं, जिस तसर्रुफ का मालिक एक मुसलमान है उसी तसर्रुफ का मालिक दूसरा मुसलमान भी है। लेकिन ये अक़्द मुफावजा मुसलमान और जिम्मी के दरमियान नहीं हो सकता, मुसलमान और काफिर के दरमियान नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों दीन के एतबार से एक नहीं है, एक मुसलमान है और दूसरा काफिर है, और निस तसर्रुफ के एतबार से भी दोनों एक जैसे नहीं है, इसलिए क्योंकि मुसलमान जो है शराब और खिंजीर की बैउशिरा नहीं कर सकता, और जिम्मी और काफिर जो है वो तो शराब और खिंजीर की बैउशिरा कर सकता है, तो दोनों तसर्रुफ में बराबर नहीं है भाई, हालांकि अक़्द मुफावजा की बुनियाद बराबरी पर है भाई। और याद रखो अक़्द मुफावजा के अंदर दोनों में से हर एक दूसरे का वकील भी है और जामिन भी है जी। तवज्जो है, अक़्द मुफावजा यूं होता है कि दो आदमी आपस में अक़्द कर लेते हैं कि तुम्हारे पास भी 20 दिरहम है, मेरे पास भी 20 दिरहम है, हम दोनों इसके जरिए काम करते हैं, तुम अपना काम करो जो भी काम करना चाहो, मैं अपना काम करता हूं जो भी मैं करना चाहूं, लेकिन जो कमाई आएगी वो दोनों के दरमियान आधी आधी तकसीम होगी, तुम कुछ कमाओ तो उसके अंदर भी आधा हिस्सा मेरा होगा और मैं कुछ कमाऊं तो उसके अंदर भी तुम्हारा आधा हिस्सा होगा, लिहाजा दोनों में से हर एक अपनी अपनी बैउशिरा में मसरूफ हो जाता है, और दोनों में से हर एक जो भी बैउशिरा करता है तो ये बैउशिरा ये अपने लिए भी कर रहा है और अपने साथी के लिए भी कर रहा है जिसके साथ इसने अक़्द किया था, यानी उसकी तरफ से वकील होकर कर रहा है।
तो ये जो भी बैव शिरा करेगा इसमें ये अपने एतबार से असील है कि अपने लिए बै कर रहा है और अपने साथी के लिए भी बै कर रहा है तो उसकी तरफ से वकील भी है भाई। और नीस इसके अंदर दूसरा जो है वो जामिन होता है, लिहाजा इनमें से एक ने कोई बै कर ली और उसने देन की अदायगी करनी है अब, तो वो शख्स वो जो कर्ज खा है वो इस शख्स जिसने अकद किया था इससे भी देन का मुतालबा कर सकता है, और वो जो इसका दूसरा साथी है वो इसका जामिन है, वो क्या है जामिन, और जो जमानत दे दे उससे भी मुतालबा किया जा सकता है, लिहाजा वो जो कर्ज खा है वो दोनों से मुतालबा कर सकता है, जिससे अकद किया उससे भी मुतालबा कर सकता है क्योंकि वो असील है अकद के अंदर, और दूसरे से भी मुतालबा कर सकता है क्योंकि ये जामिन था उस अकद के अंदर। तवज्जो है, तो मालूम हुआ हकद मुफावजा के अंदर दोनों अकद करने वालों के दरमियान माल के एतबार से, तसरुफ के एतबार से और दीन के एतबार से बराबरी जरूरी होती है, और इसमें दोनों जो भी बैव शिरा वाला तसरुफ करते हैं तो दोनों में से हर एक दूसरे का वकील भी है और जामिन भी है भाई। बात समझ में आ गई। तो बात चल रही थी कि मुर्तद के कुछ तसरुफात जो है बिल इत्तेफाक मौकूफ हैं हमारे तीनों अइमा के नजदीक, जैसे कि अक़्द मुफावजा है, मुर्तद एक मुसलमान के साथ अक़्द मुफावजा कर लेता है तो हमारे तीनों अइमा फरमाते हैं कि अक़्द मुफावजा जो है इसकी बुनियाद तो बराबरी पर है, लिहाजा ये अक़्द मुफावजा मौकूफ रहेगा। अगर वह मुर्तद जो है फिर मुसलमान हो गया तो फिर यह अक़्द मुफावजा सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वो मौकूफ उम बिल इत्तेफाकी, और मुर्तद के कुछ तसरुफात बिल इत्तेफाक मौकूफ हैं, कल मुफावजती जैसे कि अक़्द मुफावजा है, ले अन्नहा तातमिदुल मुसावाता, इसलिए क्योंकि मुफावजा की बुनियाद जो है बराबरी पर है, वला मुसावात बैनल मुस्लिमी वल मुर्तद मा लम युस्लिम, और कोई बराबरी नहीं है मुसलमान के दरमियान और मुर्तद के दरमियान, मा लम युस्लिम जब तक वह मुर्तद मुसलमान ना हो जाए, वह मुख्तलफुन फी तवक्कुफी ही, और कुछ तसरुफात मुर्तद के ऐसे हैं कि मुख्तलफुन फी तवक्कुफी ही कि जिसके तवक्कुफ के अंदर इख्तिलाफ किया गया है, उसके मौकूफ होने में इख्तिलाफ किया गया है, जो पीछे मतन के अंदर जिक्र हुए थे कि मुर्तद अगर कोई चीज बेचता है या खरीदता है या अपने गुलाम या बांदी को आजाद करता है या किसी को कोई चीज तोहफे के तौर पर देता है या रहन वगैरह रखवाता है, तो ये सारे तसारुफात जो हैं इनकी बुनियाद मिल्कियत पर है, इनकी बुनियाद मिल्कियत पर है, और इमाम साहब के नजदीक मुर्तद की मिल्कियत मौकूफ हो चुकी है, लिहाजा उसके ये तसरुफात भी मौकूफ रहेंगे, जबकि साहिबैन के नजदीक मुर्तद अभी भी अपने माल का मालिक है, लिहाजा उनके नजदीक ये तसरुफात नाफिज हो जाएंगे। तवज्जो है। तो कहते हैं वह मुख्तलफुन फी तवक्कुफी ही, और मुर्तद के कुछ वो तसरुफात हैं कि इनके मौकूफ होने में इख्तिलाफ किया गया है, वह हुआ मा अदद ना हो, और ये वो तसरुफात हैं जिनको हमने शुमार किया, मा अदद ना हो जिनको हमने शुमार किया यानी मतन में जिक्र किया, लहु मा, अब साहिबैन की दलील आ गई, साहिबैन फरमाते हैं ये मुर्तद की बैव शिरा वगैरह ये तसरुफात इनकी बुनियाद मिल्कियत पर है, लिहाजा ये तसरुफात उसके नाफिज हो गए हैं। वलहुमा, साहिबैन की दलील यह है कि अन्नसिहत तातमिदुल अहलियता, के तसरुफ का सही होना तातमिदुल अहलियता, इसका एतमाद जो है अहलियत पर होता है। साहिबैन फरमाते हैं कि तसरुफ के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो यह कि तसरुफ करने वाले में अहलियत होनी चाहिए यानी वो आकिल बालिग होना चाहिए, और दूसरा जिस चीज में तसरुफ कर रहा है उसका वो मालिक होना चाहिए, और मुर्तद में ये दोनों चीजें मौजूद हैं, मुर्तद में अहलियत भी है क्योंकि वो आकिल बालिग है और नीस उस माल का वो मालिक भी है, लिहाजा मुर्तद के ये तमाम तसरुफात जिनकी बुनियाद मिल्कियत पर थी ये नाफिज होंगे भाई। तो कहते हैं वलहुमा, और साहिबैन की दलील यह है कि नसीहत तातमिदुल अहलियता, कि ये तसरुफ का सही होना तातमिदुल अहलियता,
इसका एतमाद जो है अहलियत पर है, यानी आकिल बालिग होने पर है। वन नफाज यातमिदुल मिल्का, और तसर्रुफ का नाफिज होना यातमिदुल मिल्का, इसका एतमाद जो है मिल्कियत पर है। वला खफा अफी वजूदिल अहलियती, और कोई खफा नहीं है मुर्तद के अंदर अहलियत के पाए जाने में। इस बात में कोई खफा नहीं कि मुर्तद के अंदर अहलियत है, क्योंकि वो आकिल बालिग है भाई। तो कहते हैं वला खफा अफी वजूदिल अहलियती, और मुर्तद की अहलियत के पाए जाने में कोई खफा नहीं है, कोई पोशीदगी नहीं है। लिकौनी ही मुखातबन, इस वजह से कि मुर्तद मुखातब है, मुर्तद मुखातब है, यानी शरी अहकाम उसकी तरफ मुतवज्जे हैं, वो मुकल्लफ है, इसीलिए तो उसको मजबूर किया जाएगा वापस इस्लाम की तरफ, और इसीलिए तो उसको कत्ल किया जाएगा। अगर वो मुकल्लफ ही नहीं है तो उसको कत्ल नहीं किया जा सकता भाई। तो कहते हैं कि मुर्तद में अहलियत के पाए जाने में कोई खिफा और कोई पोशीदगी नहीं है। लिकाऊ नहीं मुखातबन, इसलिए क्योंकि मुर्तद जो है वह मुखातब है, यानी शरी अहकाम का। वह कजल मिल्कु, और इसी तरह मिल्कियत भी है, यानी मुर्तद की मिल्कियत में भी कोई शुबा नहीं है। लिकियाम ही कबल मौत ही, इसलिए क्योंकि यह मिल्कियत मौजूद है उसकी मौत से पहले। साहिबैन के नजदीक मुर्तद की मिल्कियत खत्म नहीं होती, तो लिकियाम ही कबल मौत ही, इसलिए क्योंकि मुर्तद की मिल्कियत कायम है, मौजूद है। कबल मौत ही, उसकी मौत से पहले। अला मा कर्रनाहु मिन कबल, उस वजह से जो हमने मा कबल में साबित कर दिया। मुर्तद की मिल्कियत मौजूद है, उस वजह से जो हमने माकबल में साबित कर दिया कि मुर्तद मुकल्लफ है और मोहताज है, और जो भी मुकल्लफ और मोहताज हो वो अपने माल का मालिक होता है। तो कहते हैं अला मा कर्रनाहु मिन कबल, उस वजह से जो हमने माकबल में साबित कर दिया। वलिहादा लउलिदा लहू वलदुन बादर रिद्दति लिसित्तति अशहुरिन, भाई साहिबैन की दलील चल रही है। साहिबैन फरमाते हैं कि मुर्तद जो है वो उसकी मिल्कियत अपने माल पर अभी भी बाकी है भाई। कहते हैं इसी वजह से अगर इस मुर्तद की कोई मुसलमान बीवी इसके इर्तेदाद के 6 माह के बाद किसी बच्चे को जन्म दे दे, तो वो बच्चा भी इस मुर्तद का वारिस बनता है, वो बच्चा भी इस मुर्तद का वारिस बनता है। तो इस मुर्तद की मुसलमान बीवी इसके इर्तेदाद के 6 माह के बाद कम से कम बच्चे को जन्म दे। 6 माह को जिक्र किया इसलिए कि आप पढ़ चुके हैं कि कम से कम मुद्दत जिसके अंदर एक सही सलामत बच्चे की पैदाइश हो सकती है वो 6 महीने है। तो अगर मुर्तद की मुसलमान बीवी 6 माह के बाद बच्चे को जन्म दे या 6 माह से ज्यादा मुद्दत गुजरी हो, तो मालूम हुआ इस सूरत में ये जो हमल ठहरा है ये इसके मुर्तद होने के बाद ठहरा है, लेकिन इसके बावजूद ये बच्चा इसका वारिस बनता है। मालूम हुआ मुर्तद की मिल्कियत अपने माल पर से खत्म नहीं हुई। अगर इर्तेदाद की वजह से इसकी मिल्कियत अपने माल से खत्म हो गई थी तो वो हमल जो इर्तेदाद के बाद ठहरा है उसको तो इसका वारिस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसकी तो मिल्कियत ही खत्म हो चुकी है। लेकिन फुकाहा फरमाते हैं कि ये बच्चा जिसका हमल इस मुर्तद के इर्तेदाद के बाद ठहरा है ये भी मुर्तद का वारिस बनेगा। मालूम हुआ मुर्तद की मिल्कियत अपने माल से खत्म नहीं हुई। अगर मिल्कियत खत्म हो चुकी होती तो यह बच्चा जिसका हमल ही इर्तेदाद के बाद ठहरा है यह मुर्तद का वारिस न बनता भाई। भाई शायद अभी भी आप पर बात वाजह न हुई हो भाई। भाई देखिए, अगर मुर्तद की मिल्कियत ही खत्म हो चुकी है, यानी इर्तेदाद के वक्त, अगर इर्तेदाद के वक्त मुर्तद की मिल्कियत ही खत्म हो चुकी है तो इस मुर्तद का तो कोई माल ही नहीं है। अगर इर्तेदाद के वक्त ही मुर्तद की मिल्कियत खत्म हो गई थी तो मुर्तद का तो कोई माल ही नहीं है, तो फिर इस बच्चे के वारिस होने का क्या माना? वरासत के लिए तो माल चाहिए, माल होगा तो वो वारिसों की तरह मुंतकिल होगा। तो अगर आप ये कहते हैं कि इर्तेदाद के वक्त ही इस मुर्तद की मिल्कियत खत्म हो गई थी, फिर तो इर्तेदाद के बाद पैदा होने वाले बच्चे को उसका वारिस ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि माल ही मौजूद नहीं है। लेकिन बिल इत्तेफाक इर्तेदाद के बाद भी अगर मुसलमान बीवी किसी बच्चे को जन्म देगी तो वो मुर्तद का वारिस बनेगा। मालूम हुआ मुर्तद की अभी भी अपने माल पर मिल्कियत मौजूद है, क्योंकि वरासत के लिए तो माल चाहिए, माल होगा तो फिर ही वो इसका वारिस भी बनेगा। अगर माल ही ना हो तो फिर वारिस कैसे बनेगा?
तो इर्तेदाद के कम अज कम 6 माह बाद पैदा होने वाला बच्चा भी तब ही वारिस बन सकता है जब मुर्तद की अपने माल पर मिल्कियत मौजूद हो। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वह लिहाजा, और इसी वजह से कि मुर्तद की मिल्कियत अपने माल में बाकी है, इसी वजह से लवुलिदा लहू वलदुन, अगर उस मुर्तद के लिए किसी बच्चे को जन्म दिया गया, बादर रिद्दति लिसित्तति अशहुरिन, इर्तेदाद के 6 महीने के बाद, मिनी मराति मुस्लिमतिन, किसी मुसलमान बीवी से, यरिसुहू, तो वो बच्चा इस मुर्तद का वारिस बनेगा। भाई अगर मुर्तद की मिल्कियत खत्म हो चुकी होती अपने माल पर से तो यह बच्चा उसका वारिस न बनता। भाई वलव माता वलदुहू बादर रिद्दति कबल अल मौती ला यरिसुहू, तो साहिबैन की दलील चल रही है। साहिबैन फरमाते हैं कि मुर्तद की अपने माल पर मिल्कियत अभी भी बाकी है, चुनाचे इसीलिए अगर मुर्तद का कोई बच्चा जो इर्तेदाद के वक्त तो मौजूद था लेकिन मुर्तद की मौत से पहले ही वो मर गया तो वारिस नहीं बनेगा, वारिस नहीं बनेगा। मालूम हुआ मुर्तद की मिल्कियत अपने माल में अभी भी मौजूद है। अगर मुर्तद की मिल्कियत मौजूद न होती तो यह बच्चा तो इर्तेदाद के वक्त मौजूद था, इसको तो वारिस बनना चाहिए था। जिस वक्त मुर्तद की मिल्कियत खत्म हो रही थी उस वक्त तो यह वारिस मौजूद था, लिहाजा इसको तो वारिस बनना चाहिए। अगरचे यह मुर्तद की मौत से पहले मर गया है लेकिन इर्तेदाद के वक्त तो यह मौजूद था, इसको वारिस बनना चाहिए, लेकिन यह बच्चा वारिस नहीं बनता। वो बच्चा जो इर्तेदाद के वक्त तो वारिस था लेकिन मुर्तद की मौत से पहले ही वो मर गया तो वो वारिस नहीं बनेगा। मालूम मुर्तद की मिल्कियत अपने माल पर मौजूद है, अगर मिल्कियत खत्म हो चुकी थी फिर तो इस बच्चे को वारिस बनना चाहिए था, चाहे बेशक पहले मर गया है लेकिन इसको वारिस बनना चाहिए था, और फिर ये तो मर चुका है तो इस वारिस के वारिसों की तरफ वो माल मुंतकिल हो जाता। लेकिन ये बच्चा जो इर्तेदाद के वक्त तो मौजूद था लेकिन मुर्तद के मरने से पहले ये मर गया है तो ये वारिस नहीं बनता। मालूम हुआ मुर्तद की मिल्कियत बाकी है। अगर इर्तेदाद के वक्त ही मिल्कियत खत्म हो गई थी तो इर्तेदाद के वक्त तो यह बच्चा मौजूद था, लिहाजा इसको वारिस बनना चाहिए था, लेकिन यह बच्चा इर्तेदाद के बाद और मुर्तद के मरने से पहले मरा है तो यह वारिस नहीं बनेगा। मालूम हो मुर्तद अभी भी अपने माल का मालिक है, इसकी मौत के वक्त इसका माल वारिसों की तरह मुंतकिल होगा, उससे पहले मुंतकिल नहीं होगा। तो कहते हैं वलव माता वलदुहु बादर रिद्दती, और अगर मुर्तद की कोई औलाद मर गई मुर्तद होने के बाद, कबल अल मौती, मुर्तद के मरने से पहले, ला यरिसुहु, तो उसकी यह औलाद उसकी वारिस नहीं होती। मालूम हुआ मुर्तद की मिल्कियत मौजूद है। तो कहते हैं फतसिहु तसरुफातुहु कबल अल मौती, लिहाजा मुर्तद के तसरुफात जो हैं मौत से पहले सही हैं, मुर्तद के तसरुफात मौत से पहले सही हैं, वो बेउ शिरा वगैरह करता है वो नाफिज हैं, जबकि इमाम साहब फरमाते थे कि वो तसरुफात मौकूफ हैं। भाई तो कहते हैं फतसिहु तसरुफातुहु कबल अल मौती, तो मुर्तद के तसरुफात मौत से पहले जो हैं वो सही हैं। और भाई देखिए यहां पर बीवी के साथ मुस्लिमा की कैद आई कि मुर्तद की मुसलमान बीवी ने अगर इर्तेदाद के 6 माह बाद बच्चे को जन्म दिया, मिनी मराअतिन मुस्लिमतिन, के वो मुसलमान बीवी है जिसने बच्चे को जन्म दिया है, तो ये मुस्लिमा की कैद इसलिए लगाई क्योंकि जब बीवी मुसलमान है तो बच्चा अपने मां बाप में से जिसका दीन बेहतर होता है उसके ताबे होता है, तो बच्चा बीवी के ताबे होकर मुसलमान शुमार होगा और मुसलमान मुर्तद का वारिस बन सकता है। लेकिन अगर बीवी अहले किताब में से है, यानी जिम्मिया है, मुर्तद की बीवी जिम्मिया है, तो फिर इस सूरत में याद रखो बच्चा वारिस नहीं बनेगा। वो बच्चा जिसको उस जिम्मिया बीवी ने इर्तेदाद के 6 माह या ज्यादा के बाद जन्म दिया है वो इस मुर्तद का वारिस नहीं बनेगा, इसलिए क्योंकि बीवी है जिम्मिया और ये शख्स है मुर्तद, तो ये बच्चा इस मुर्तद के ताबे होगा क्योंकि इसका दीन बेहतर है। आप कहेंगे भाई मुर्तद का दीन कैसे बेहतर है? भाई बाई एतबार बेहतर है कि यह मुर्तद इस्लाम के ज्यादा करीब है, यानी इसको मजबूर किया जाएगा कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तो मालूम हुआ मुर्तद को चूंकि मजबूर किया जाएगा इस्लाम के लिए तो वो इस्लाम के ज्यादा करीब है, जबकि बीवी तो जिम्मिया है, उसको हम मजबूर नहीं कर सकते, उसके दीनी मामलात में हम दखल नहीं दे सकते। तो लिहाजा मालूम हुआ मुर्तद की जिम्मिया बीवी
बीवी ने इर्तेदाद के 6 माह के बाद एक बच्चे को जन्म दिया है तो यह बच्चा मुर्तद के ताबे होगा और वो शख्स मुर्तद है तो बच्चा भी मुर्तद शुमार होगा। और मुर्तद तो मुर्तद का वारिस नहीं हो सकता, मुसलमान तो मुर्तद का वारिस हो सकता है लेकिन मुर्तद तो मुर्तद का वारिस नहीं हो सकता। तो इसलिए यहां पर इमरातिन मुस्लिमतिन की कैद लगाई गई। बात समझ में आ गई। और नीज इन्होंने जिक्र किया कि इर्तेदाद के 6 माह के बाद भी जो बच्चा पैदा होगा वो भी मुर्तद का वारिस बनेगा। मुर्तद का वारिस कौन बनेगा? इस सिलसिले में आपने पढ़ा 3 रिवायतें हैं। एक रिवायत जो है हसन इब्ने ज़ियाद रहमतुल्लाह ने इमाम साहब से नकल की है कि वो वारिस बनेगा जो इर्तेदाद के वक्त भी मौजूद हो और मौत के वक्त भी मौजूद हो। दूसरी रिवायत जो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने इमाम साहब से नकल की है कि मुर्तद का वारिस वो बनेगा जो इर्तेदाद के वक्त मौजूद हो, क्योंकि इर्तेदाद ये मौत के दर्जे में है लिहाजा इर्तेदाद का एतबार किया जाएगा। और तीसरी रिवायत इमाम साहब से वो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने नकल की है कि मुर्तद की मौत का एतबार है, मौत के वक्त जो वारिस मौजूद है वो वारिस बनेगा, इर्तेदाद का एतबार नहीं है। मालूम हुआ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की रिवायत सही है भाई, क्योंकि इन्होंने क्या बताया कि मुर्तद की मुसलमान बीवी ने इर्तेदाद के 6 माह के बाद बच्चे को जन्म दिया है। मालूम हुआ इस बच्चे का हमल इर्तेदाद के बाद ठहरा है, इर्तेदाद के बाद ठहरा है, तो इर्तेदाद के वक्त तो यह बच्चा या यह हमल मौजूद ही नहीं था और फिर भी यह बच्चा वारिस बन रहा है। मालूम हुआ किसका एतबार है? मुर्तद की मौत का एतबार है। तवज्जो है। तो यहां इस मसले से भी यह बात वाजे हो रही है कि इस सिलसिले में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने जो इमाम साहब से रिवायत नकल की है वो सही है भाई। और नीज आगे भी मतन के अंदर भी यह मसला आ जाएगा, उससे भी पता चलता है कि इर्तेदाद के 6 माह के बाद मुसलमान बीवी से अगर कोई बच्चा पैदा हो तो वह मुर्तद का वारिस बनेगा, मुर्तद का वारिस बनेगा। उस मतन से भी पता चलता है कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की रिवायत जो है वो सही है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए इल्ला इंद अबी यूसुफ रहमहुल्लाह तसिहु, तो साहिबैन के नजदीक मुर्तद की ये बै और शीरा वगैरह ये सारे तसरफात जिनकी बुनियाद मिल्कियत पर है ये सारे तसरफात सही हैं, मुर्तद के ये सारे तसरफात सही हैं। इल्ला अन्ना इंदा अबी यूसुफ रहमहुल्लाह, हां फिर इख्तिलाफ है इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह में। इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इर्तेदाद के बाद भी मुर्तद के अपने माल में तसरुफात सही हैं, इसी तरह जैसे एक तंदुरुस्त आदमी के तसरुफात अपने माल में सही होते हैं। जिस तरह एक तंदुरुस्त आदमी के तसरुफात अपने माल में सही होते हैं। और जबकि इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मुर्तद के तसरुफात इर्तेदाद के बाद भी अपने माल में सही हैं, लेकिन ये तसरुफात ऐसे ही हैं जैसे मरजुल मौत में मुबतला एक शख्स के तसरुफात होते हैं। क्योंकि ये मुर्तद हो चुका है, इसको अभी कत्ल किया जाएगा, इसका मरना यकीनी है। जब मरना यकीनी है तो ये इर्तेदाद मरजुल मौत के दर्जे में हुआ तो इसके अंदर तसरुफ करेगा तो ये सिर्फ सुलुस के अंदर नाफिज होंगे, जैसे मरजुल मौत में मुबतला शख्स के तसरुफात उसके माल के सिर्फ तीसरे हिस्से में नाफिज होते हैं, क्योंकि वारिसों का हक माल के साथ मुतअल्लिक हो चुका है। तवज्जो है। तो साहिबैन का मजहब यह है कि मुर्तद मौत से पहले अपने माल के अंदर जो भी तसरुफात करना चाहे कर सकता है। अलबत्ता इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक ये तसरुफात तंदुरुस्त आदमी वाले तसरुफात की तरह हैं, लिहाजा ये पूरे माल में जारी होंगे। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये तसरुफात जो है मरजुल मौत में मुबतला शख्स की तरह है, लिहाजा ये सिर्फ सुलुस माल के अंदर नाफिज होंगे भाई। तो कहते हैं इल्ला अन्ना इंदा अबी यूसुफ रहमहुल्लाह ताला, मगर यह कि इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह के नजदीक तसिहु कमा तसिहु मिन सहीह, कि मुर्तद के तसरुफात सही हैं, कमा तसिहु मिन सहीह, जैसे एक तंदुरुस्त आदमी की तरफ से ये तसरुफात सही होते हैं। लिअन्ना ज़ाहिरा औदु, भाई क्या वजह है इसके तसरुफात को तंदुरुस्त आदमी की तरह क्यों करार दिया इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने, हालांकि ये मुर्तद हो चुका है, इसको कत्ल किया जाए। कहते हैं इसके तसरुफात तंदुरुस्त आदमी की तरह हैं। लिअन्ना ज़ाहिरा औदुहु इलल इस्लामी, इसलिए क्योंकि जाहिर यही है कि इस्लाम की तरफ लौट आएगा। इज़ शुबहतु तुज़ाहु, इसलिए क्योंकि शुबा जो है उसको तो दूर कर दिया जाएगा। फला युक्तलु, तो इसको कत्ल नहीं किया जाएगा।
जब कत्ल नहीं किया जाएगा तो इसका मुर्तद होना मरजुल मौत की तरह नहीं है, लिहाजा इसके तसरुफात तंदुरुस्त आदमी की तरह अपने सारे माल में सही हैं। तो कहते हैं इज शुबह तुज़ाहु, इसलिए क्योंकि शुबह जो है उसको तो दूर कर दिया जाएगा, फला युक्तल, तो इस मुर्तद को कत्ल नहीं किया जाएगा, वसारा कल मुर्तद्दती, और ये मुर्तद भी मुर्तद्दा की तरह हो गया, जैसे मुर्तद्दा को कत्ल नहीं किया जाता और उसके सारे तसरुफात सही होते हैं, इसी तरह मुर्तद के भी सारे तसरुफात सही हैं। वाइंदा मुहम्मदिन रहिमहुल्लाहु ताला, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक तसेहु कमा तसेहु मिनल मरीजी, के मुर्तद के तसरुफात सही हैं, कमा तसेहु मिनल मरीजी, जैसे के मरीज के तसरुफात सही होते हैं। लिअन्न मन इंतहला इला मिहलतिन, इंतहला यंतहिलु के माने हैं इख्तियार करना, अपनाना, किसी चीज को अपना लेना। और निहला, निहला कहते हैं मजहब और अकीदे को। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं लिअन्ना मन इंतहला इला निहलतिन, इसलिए क्योंकि जो शख्स किसी मजहब और अकीदे की तरफ मुंतकिल हो जाए, यानी उसको इख्तियार कर ले, लासीयमा मुअरिजन अम्मा नशा अलैही, खास तौर पर एराज करते हुए अम्मा उस चीज से नशा अलैही जिस पर उसकी परवरिश हुई है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो इर्तिदाद है ये मरजुल मौत की तरह है, इस आदमी का कत्ल यकीनी है, वजह यह कि इसने उस इस्लाम को छोड़ दिया है जिस पर इसकी परवरिश हुई थी। और जब कोई शख्स अपने उस मजहब और अकीदे को छोड़ देता है जिस पर उसकी परवरिश हुई हो तो फिर वो कम ही वापस आता है उस अकीदे की तरफ। तो लिहाजा मालूम हुआ, जाहिर यही है कि इस्लाम की तरफ वापस नहीं आएगा, इसे कत्ल किया जाएगा, तो यह मरजुल मौत वाले शख्स की तरह हुआ भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, ले अन्ना मन इंतहला इला निहलतिन, भाई मैंने आपको बतलाया इंतहला का माना है इख्तियार करना और निहला कहते हैं मजहब और अकीदे को, और यहां दरमियान में साहिब हिदाया इला ले आए, तो यहां गोया मुंतकिल होने का माना भी मलहूज है भाई। ले अन्ना मन इंतहला इला निहलतिन, इसलिए क्योंकि जो शख्स किसी अकीदे की तरह मुंतकिल होकर उसे इख्तियार करता है, लासीयमा खास तौर पर मुअरिजन अम्मा नशा अलैही, एराज करते हुए उस मजहब से जिस पर उसकी परवरिश हुई है, कल्लमा यतरुकुहु, तो फिर बहुत कम वो इस नए अकीदे को छोड़ता है, फयुफजी इलल कत्ल जाहिरन, तो जाहिर यही है कि उसका यह इर्तेदाद उसे कत्ल तक पहुंचा देगा, उसका इर्तेदाद उसे कत्ल तक पहुंचा देगा, लिहाजा ये मरजुल मौत में मुबतला शख्स की तरह हुआ। बिखिलाफ इल मुर्तद्दती, बखिलाफ मुर्तद्दा के, लिअन्नहा ला तुक्तलु, क्योंकि उसको तो कत्ल नहीं किया जाता। यहां से इमाम मोहम्मद रहमला जवाब दे रहे हैं इमाम अबू यूसुफ रहमला के कयास का। इमाम अबू यूसुफ रहमला फरमाते थे कि जाहिर यही है कि मुर्तद वापस आ जाएगा, इसको कत्ल नहीं किया जाएगा, तो यह मुर्तद्दा औरत की तरह हो गया, जैसे उसको कत्ल नहीं किया जाता और उसके सारे तसरुफात नाफिज होते हैं, इसके भी सारे तसरुफात नाफिज होंगे। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आप इसको मुर्तद्दा पर कयास नहीं कर सकते, क्योंकि मुर्तद्दा को तो कत्ल नहीं किया जाता और इसके अंदर जाहिर यही है कि इसका वापस आना बड़ा मुश्किल है, लिहाजा इसको कत्ल किया जाएगा। तो कहते हैं बिखिलाफ इल मुर्तद्दती, बखिलाफ मुर्तद्दा के, लिअन्नहा ला तुक्तलु, क्योंकि उसको कत्ल नहीं किया जाता। वली अबी हनीफा तरहमहुल्ला, अब इमाम साहब की दलील आ गई। इमाम साहब फरमाते थे कि मुर्तद की मिल्कियत मौकूफ हो चुकी है, लिहाजा उसके ये मिल्कियत वाले तसरुफात जो हैं बेउ शिरा और एताक वगैरह ये सारे मौकूफ रहेंगे। तो कहते हैं वली अबी हनीफा तरहिमहुल्ला, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नहु हर्बी युम मकहूर उन तहता आईदीना, कि मुर्तद ऐसा हर्बी है जो हमारे कब्जे के तहत मगलूब है, अलामा कर्रर नाहू, उस वजह से जो हमने साबित कर दिया, फी तवक्कुफिल मिल्की, मिल्कियत के मौकूफ होने में। पीछे हमने जिक्र किया था कि जो मुर्तद है ऐसे हर्बी की तरह है जो हमारे कब्जे में है और मगलूब है, और जो हर्बी हमारे कब्जे में हो वो उसकी मिल्कियत अपने माल पर से जायल हो जाती है, तो इस मुर्तद की मिल्कियत भी जायल हो जाएगी। तो
तो इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नहु हर्बी युम मकहूर उन तहत अईदीना, कि मुर्तद ऐसा हर्बी है जो हमारे कब्जे के तहत मगलूब है, अलामा कर्रना हुफी तवक्कुफिल मिल्की, उस वजह से जो हमने मिल्कियत के मौकूफ होने में साबित किया था, व तवक्कुफु तसर्रुफाति बिना अन अलैही, व तवक्कुफु तसर्रुफाति बिना अन अलैही, और तसर्रुफात का मौकूफ होना साबित है इसी वजह से। जब इसकी मिल्कियत मौकूफ है तो तसर्रुफात भी मौकूफ होंगे। और ये इबारत पर नजर रखिए भाई, व तवक्कुफु तसर्रुफाति बिना अन अलैही, तो आप बिना अन भी इसको पढ़ सकते हैं और बिना उन भी। बिना अन पढ़ेंगे तो फिर वतवक्कुफु तसर्रुफात ये बनेगा मुबतदा और इसके लिए खबर महजूफ निकाल लेंगे, तो गोयक सारा कलाम यूं हो जाएगा, वतवक्कुफु तसर्रुफाती साबितुन, और तसर्रुफात का मौकूफ होना भी साबित होगा बिना अन अलैही, इसी तवक्कुफ मिल्कियत की वजह से। जब मिल्कियत मौकूफ है तो तसर्रुफ भी मौकूफ होगा। तो यह माना है वह तवक्कुफु तसर्रुफाति बिना अन अलैही, और तसर्रुफात का मौकूफ होना भी साबित होगा इसी वजह से। और आप चाहें तो बिना उन पढ़ लें इसको, इस बिना उन पर रफा पढ़ लें और इसी को खबर बना दें। बिना उन मस्तर है, इस सूरत में यह इसमें मफूल मबनी युन के माना में हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि मस्तर कभी इसमें फाइल के माना में होता है और कभी इसमें मफूल के माना में, तो यहां यह इसमें मफूल के माना में हो जाएगा। तो कहते हैं वतवक्कुफु तसर्रुफाती बिना उन अलैही, और तसर्रुफात का मौकूफ होना उसकी बुनियाद इसी पर है, यानी मिल्कियत के मौकूफ होने पर है। वसार कल हरबी यदुलु दारना बिगैरी अमानिन, और ये मुर्तद जो है उस हरबी की तरह हो गया, यद हुलू दार ना बिगैरी अमानिन, जो बगैर अमान के हमारे दार में दाखिल हो जाए। फयुखज़ु वयुक़हरु, तो उसको पकड़ा जाता है, वयुक़हरु और मगलूब किया जाता है। वयतवक्कफु तसर्रुफातुहु, और इस हरबी के जिसको हमने पकड़ लिया है इसके सारे तसर्रुफात मौकूफ हो जाते हैं। वयतवक्कफु तसर्रुफातुहु, और इस हरबी के सारे तसर्रुफात मौकूफ हो जाते हैं। लितवक्कुफी हालिही, उसकी हालत के मौकूफ होने की वजह से, क्योंकि हरबी हमारे हाथ आ गया है, इमाम की मर्जी है चाहे इसको कत्ल करे, चाहे इसको गुलाम बना ले, और चाहे इसको एहसान करते हुए वैसे ही छोड़ दे, तो लिहाजा इसके तसर्रुफात मौकूफ रहेंगे। तो कहते हैं वयतवक्कफु तसर्रुफातुहु लितवक्कुफि हालिही, तो ये जो हरबी हमारे कब्जे में आ गया है इसके तसर्रुफात मौकूफ रहते हैं इसकी हालत के मौकूफ होने की वजह से। वकदल मुर्तद्दु, और इसी तरह मुर्तद भी है, इसके तसर्रुफात भी मौकूफ रहेंगे, नाफिज नहीं होंगे। बात समझ में आ गई। वस्तहकाकुहुल कतला, यहां से जवाब दे रहे हैं भाई, एक दो सफे कबल जहां मसला जिक्र हुआ था कि इमाम साहब के नजदीक मुर्तद की मिल्कियत उसके माल पर से मौकूफ तरीके पर खत्म हो जाती है, और साहिबैन के नजदीक मुर्तद की मिल्कियत अपने माल से खत्म नहीं होती जब तक उसे कत्ल ना कर दिया जाए, वहां साहिबैन ने जिक्र किया था कि यह मुर्तद भी उस शख्स की तरह हो गया जिसको रजम करने का हुक्म दे दिया गया हो, या जिसको किसास में कत्ल करने का हुक्म दे दिया गया हो। तो जैसे यह रजम वाला और किसास वाला शख्स कत्ल का मुस्तहिक हो गया है, लेकिन फिर भी इसकी मिल्कियत खत्म नहीं होती जब तक इसको कत्ल ना कर दिया जाए, इसी तरह यह मुर्तद भी कत्ल का मुस्तहिक हो गया है लेकिन फिर भी इसकी मिल्कियत खत्म नहीं होगी जब तक इसे कत्ल ना कर दिया जाए। तो अब उसका जवाब दे रहे हैं साहिब हिदायत इमाम साहिब की तरफ से कि ये जो मुर्तद है आप इसको उस शख्स पर कयास नहीं कर सकते जिसको रजम किया जाएगा या जिसे किसास में कत्ल किया जाएगा। वजह यह कि ये जो मुर्तद जो कत्ल का मुस्तहिक हुआ है वो इस वजह से कि इसकी इस्मत खत्म हो चुकी है, इसकी इस्मत खत्म हो चुकी है, अब ये मुबाहु दम बन गया है, तो इसकी इस्मत खत्म होने की वजह से ये कत्ल का मुस्तहिक हुआ है, जबकि वो रजम वाला और किसास वाला शख्स जो है वो भी कत्ल के मुस्तहिक हैं लेकिन वो अपने जुर्म की वजह से कत्ल के मुस्तहिक हुए हैं, इस्मत खत्म होने की वजह से कत्ल के मुस्तहिक नहीं हुए, तो दोनों में फर्क है। तो लिहाजा मुर्तद जो है उसकी तो इस्मत खत्म हो गई, जब इस्मत खत्म हो गई तो उसकी वजह से उसकी अहलियत में ही खलल आ गया,
मुर्तद की अहलियत में ही खलल आ गया, वो अब तसरुफात कर ही नहीं सकता, उसके तसरुफात मौकूफ हो जाएंगे। जैसे ये हरबी जो हमारे काबू में आ जाता है, जैसे इसके तसरुफात मौकूफ हो जाते हैं क्योंकि ये कत्ल का मुस्तहिक हो चुका है। तवज्जो है, तो मुर्तद और हरबी जो हमारे काबू में हैं, ये दोनों कत्ल के मुस्तहिक हुए हैं। और क्यों कत्ल के मुस्तहिक हुए? क्योंकि इनकी इस्मत साकित हो गई, और जब इस्मत साकित हो गई तो इनकी अहलियत में खलल आ गया। जबकि वो शख्स जिसको रजम किया जाएगा या किसास में कत्ल किया जाएगा, वो अगरचे कत्ल के मुस्तहिक हुए हैं लेकिन इस्मत खत्म होने की वजह से नहीं, बल्कि अपने जुर्म की वजह से। लिहाजा उनकी अहलियत में कोई खलल नहीं आया, उनकी अहलियत में कोई खलल नहीं आया, लेकिन मुर्तद की अहलियत में खलल आ चुका है। भाई तो कहते हैं वस्तहकाकुहुल कतला, और मुर्तद और हरबी दोनों में से हर एक का कत्ल का मुस्तहिक होना, लिबुतलानी सबबिल इस्मती, वो इस्मत के सबब के बातिल होने की वजह से है, फिल फसलैनी दोनों सूरतों में, यानी चाहे हरबी हो और चाहे मुर्तद हो, दोनों की इस्मत साकित हो गई, इसलिए ये कत्ल के मुस्तहिक हो चुके हैं। फाओ जबा खललन फिल अहलियती, तो इसने अहलियत में भी खलल साबित कर दिया, इस इस्मत के साकित होने ने अहलियत में ही खलल साबित कर दिया। बखिलाफ जानी व कातिल आमदी, बखिलाफ जिना करने वाला और वो जो कातिल आमद है, वो जिना करने वाला जिसे रजम किया जाएगा और वो कातिल आमद जिसे किसास में कत्ल किया जाएगा। तो कहते हैं बखिलाफ जानी व कातिल आमदी, बखिलाफ जिना करने वाले के और आमदन कत्ल करने वाले के, लिअन्न इस्तिहकाक फी जालिका, इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो कत्ल का इस्तिहकाक आया है, जजा उन अलल जिनायती, वो जिनायत की जजा है, वो उस जुर्म की जजा है। वह बिखिलाफ इल मरअती, और बखिलाफ औरत के, लिअन्नहा लैसत हरबियतन, इसलिए क्योंकि औरत जो है वो तो हरबिया नहीं होती, व लिहादा ला तुक्तलु, इसीलिए उसको कत्ल नहीं किया जाता। तो आप इस मुर्तद को औरत पर कियास नहीं कर सकते क्योंकि औरत तो हरबिया ही नहीं है, वो तो कत्ल की मुस्तहिक ही नहीं है, जबकि मुर्तद और हरबी तो कत्ल के मुस्तहिक हैं। यह माना है वह बिखिलाफ इल मरअती, और बखिलाफ औरत के, लिअन्नहा लैसत हरबियतन, क्योंकि औरत जो है वो तो जंग करने वाली नहीं है, व लिहादा ला तुक्तलु, और इसीलिए उसको कत्ल नहीं किया जाता। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।